नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है हीरा मंडी, और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरा मंडी डायमंड बाजार कोई आम ऐतिहासिक ड्रामा नहीं है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली प्रशांसित रंजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित इस निर्मित ये भारतीय ऐतिहासिक कृति दर्शकों को लाहौर के रेड लाइट जिले हीरा मंडी की भव्य लेकिन छायादार दुनिया में ले जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये सीरीज तवायफे बेशाओं के जीवन के खोज करती है जो सिर्फ सेक्स वर्कर के कहीं ज़्यादा है। वे कलाकार थी और अक्सर अपने समुदायों से काफ़ी ताकत रखती थी। संभालने इन जटिल महिलाओं को जीवंत करने के लिए मनीषा कोराला, मनीषा सिन्हा और अदिति राव हैदरी सहित कई बेहतरीन कलाकारों को इकट्ठा किया है। जबकि पहले सीजन को अलौकिक से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की समीक्षाएं मिली। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद थी जिनके कारण दूसरे सीजन के लिए तुरंत नवीनीकरण किया गया था। हीरा मंडी द डायमंड बाजार कोई फिल्म नहीं है बल्कि दूरदर्शी संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक आकर्षक ऐतिहासिक ड्रामा सीजन है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली यह सीरीज लाहौर के प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरा मंडी की रहस्यमय तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। यह भव्य लेकिन जटिल दुनिया ब्रिटिश शासन की भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष के बीच सामने आती है। संभाली की खास शौली इस युग को जीवंत करती है जिसने हीरा मंडी की भव्यता के साथ साथ उसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों को दिखाया गया है। हम जिस तवायफों से मिलते हैं जो वे सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं बेकलाकारों के कलाकारों के और उसके समाज के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। मनीषा कुराला, मीनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जैसे दमदार कलाकारों द्वारा निभाए गए ये किरदार एक आकर्षक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार, शक्ति और आज़ादी की लड़ाई की बारीक खोज वादा करते हैं। हालांकि पहले सीजन को मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई लेकिन इसमें दर्शकों को आकर्षित किया उसने दूसरे सीजन के लिए शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ जिसमें ये सुनिश्चित हुआ कि हीरा मंडी की आकर्षक दुनिया में और भी बहुत कुछ आने वाला है। हीरा मंडी के कलाकारों में अनुभवी दिग्गज और उभरते सितारे शामिल है। मनीषा कुराला उनकी स्वस्थापित अभिनेत्री इसने ग्रामीण है। इनका अतुलन और अनुभव निश्चित रूप से शाही महल की मुख्य वेश्या मल्लिका जान की उनकी भूमिका के गंभीरता लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा दोहरी भूमिका की चुनौती लगती है जिसमें वे रेहाना एक भूतपूर्व मुख्य वेश्या और उसकी बेटी फरदन दोनों के किरदार निभा रही है। यह सीरीज हमें प्रतिभा की अगली पीढ़ी से भी परिचित कराती है जिसमें धर्मील सहगल मल्लिका जान के सबसे छोटी और आलमबेज और उनकी रहस्यमय बहन फरीदा जहनजीत खेर के बीच रोशनी की देखते हुए एक जटिल पारिवारिक गतिशीलता सामने आएगी। कहानी में एक और परत जोड़ती है जो रिशा चड्डा और मल्लिका जान की पावर बेटी लज्जो का किरदार निभाया गया है। इसमें कहानी रहस्यमय है और उनके बेटा करती है। अंत में सुबूजा ने आलमबेज की प्रेमी तनाव जानबाज की जीवंत किया है तथा हीरा मंडी की जटिलताओं के बीच एक संभावित रोमांच का निर्माण किया है। हीरा मंडी द डायमंड बाजार ने पारिवारिक सिनेमा के रास्ते के दरकिनार कर दिया और मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है। हालांकि विशिष्ट दर्शक संख्या सभी को गुप्त है। रिपोर्ट्स बताती है कि अपने पहले सप्ताहांतर में 4.5 मिलियन यू के साथ इसने एक मजबूत शुरुआत की। हालांकि इस सीरीज के अगले हफ्तों में दर्शकों को संख्या में कहीं खास ताल नहीं मिला लेकिन आलोचकों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सीमाएं मिलने के बावजूद इसने दूसरे सीजन में नवीकरण को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त लिमुकिया की हासिल किया। उसने पता चला है कि उसके सीरीज में आकर्षक कहानी प्रतिभाशाली कलाकारों के दर्शकों को आकर्षित किया। इसने ये सुनिश्चित हुआ कि हीरा मंडी की आकर्षण दुनिया से और भी बहुत कुछ आने वाला है। एक ऐसा एहसास की जो कि चट्टान के किनारे एक डरावने ऐसा है। कभी मुंबई का जीवंत मानसून जो आमतौर पर सुकून का स्रोत होता है था उसे उसकी खिड़की पर लगातार ढोल की स्थाप की उतरा महसूस हुआ जो उसकी आत्मा में बेचैनी को दर्शाती है। उसकी सचिन साल की बाद उनके लिए एक तूफानी का सामना किया लेकिन हाल ही में यह हरहरों से भरा हुआ महसूस हुआ। उनके बीच की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। शहर के उस पार चांदनी चौक की भुलभुलैया वाली गलियों के बीच भीड़ सहना था। एक समृद्ध लघु चित्रकार उसकी दुनिया जीवंत रंगों और दुनिया से फुसफुसाती कहानियों से भरी थी। कई सालों तक विदूर रहने के बाद उसे अपने वफादार कुत्ते अवतार की शांत सीमाओं में सुकून मिला। मानसून उनके लिए एक प्रेरणा थी। उसकी नमी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कागज की एक निश्चित जीवन प्रदान करती थी। किस्मत एक सारथी
कठपुतली से हस्तक्षेप करने फैसला किया। एक्विल एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो शहर की आत्मा को कैद करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से भारी बारिश के दौरान वीर के छिपे हुए स्टूडियो में जा पहुंची। शहर की तलाश में वो अंदर चली गई, भीतर से निकलने वाली कोमल चमक से आकर्षित हुई। अंदर की हवा चंदन और नम कागज की खुशबू से भरी हुई थी। वीर जिसकी आंखों में हजारों कहानियों की बुद्धि थी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अबुलिन उनके चांदनी के बालों के एक मुस्कान के साथ जिसमें उदासी का संकेत था ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अप्रत्याशित नरमी फैल गई है। उनकी बातचीत महसूस के बारिश की तरह बह रही थी और सहज और बातचीत उन्होंने कला और हाथी के अप्रत्याशित स्थान में पाई जाने वाली शांत सुंदरता के बारे में बात की। फिर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और जिस तरह से उसके जुनून पर चर्चा करते समय उनकी आंखों में चमक उठती थी उसके मोहित हो गया, उसके खुद को और अधिक जानने के लिए इच्छुक पाया। एब्रिन उसकी कोमलता आत्मा और जिस तरह से उसके अनुभवी हाथों से नाजुक ब्रश को पकड़ता था उसने प्रभावित हुई। उसने एक ऐसा संबंध महसूस किया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद और इलारा उसके गंभीर सांस लेता हुआ पाया है। उस रात को उसने एक संबंध हराना होता है। उन्होंने पेरिस के छिपे हुए कोनों के खींच की पटिल पावर की चौकन निगाहों के नीचे कहानियों का सपने साझा किया। इलारा ने खुद को उनके जुनून के और आकर्षित पाया जो उनके सपने मापा अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने सितारों के नीचे चचालक पिकनिक मनाने सूर्योदयों को आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगाते देखने की प्रेम प्रति प्रेम की खोज की। ये सब इसलिए क्योंकि उसने उसे इस सरल क्षणों में सुंदरता दिखाई। हालांकि इलारा दिल से एक वैज्ञानिक बनी रही, उसने उनके बंधाओं का विश्लेषण किया। जिस तरह से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था जब वो उसका हाथ पकड़ता, वो अतर्जित गर्मजोशी से जो उसके अंदर फैल जाती थी जब भी वो उसे देखता था, वो आकर्षित था उनकी उपस्थिति की, ये जरूरत उनके स्पर्श की ये तरफ। एक शाम सड़क के बाजार की हलचल के बीच इंडियन अचानक रुक गया। उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर टिकी हुई थी। वो कुछ क्षण बाद बाजार बाहर आया। उसकी बाहों में नीचे लेंस फेयर्स डू माल की एक पुरानी प्रति थी। ओके के मोड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस आकर उसने अपनी समृद्ध परिटोन आवाज में बेडलियर की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। रोमांटिक पीड़ा से सजे शब्द उनकी अपनी अनकही शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने पहले दर्पण की तरह थे। प्यार पागलपन है उनके कहा। जब उसने बात खत्म की तो उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी, लेकिन कभी कभी ये एकात्मात्र पागलपन होता है जिसे पाने की कोई मतलब होता है। इलारा ने पाया कि वो उसके हाथ की ओर बढ़ रही है, उसके स्पर्श की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सेहरन पैदा कर रही है। शायद उसने स्वीकार किया कि उनकी आवाज़ में सांस लेने की आवाज नहीं थी, थोड़ा पागलपन ही चाहिए। उनका पहला चुम्बन बिजली थो जैसा था, एक चिंगारी जिसने उनके भीतर आग लगा दी। ये तर्क और भावना के टकराव था, एक तूफान जो उनके दिल के चारों ओर बनाए गए किले के भीतर डबल रहा था। फिर भी उसके बाहों में चांदी की चौकस निगाहों से नीचे ये अजीब तरह से परिपूर्ण महसूस हुआ। अपने रिश्ते को बढ़ती तीव्रता के बावजूद इलारा सतर्क रही, वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपकी रही, अपने भीतर इस नए आयाम की झमझाने की बताव कोशिश कर रही थी। उसकी रातें शोध से भरी हुई थी। प्यार की तंत्रिका विज्ञान इस मादक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में कतलीन। एक दोपहर इलारा को अपने शोध में झुका हुआ पाकर इंडियन ने धीरे से उनके हाथों से किताब ले ली। आओ थोड़ा जी ले, उसके कहा। उसकी आंखों में एक शांति बिनती हुई पाई थी। चलो कहीं नहीं, जगह चलते हैं। उस दिन मूसलधार बारिश में घर के अंदर फंसे हुए एक झिझक भरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने साहित्य के प्रति उनके जुनून के बारे में बात की, जिस तरह से ये उन्हें अलग अलग दुनिया में ले गया, उन्हें जीवंत महसूस कराया। एलेनोर इस बात से हैरान की उनके मुंह से शब्द कितनी आसानी से बोल रहे थे। उसने जेन ऑस्टन की वृद्धि के लिए अपने प्यार को साझा किया। उसकी आवाज़ वो प्यार के साथ आत्मविश्वास से भर रही थी। जैसे जैसे तूफान थम गया वैसे वैसे उनकी शुरुआती सहजता की कम होती गई। वे बारिश से धूली सड़क से निकल गए। उनके बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। डेविड ने आवेग में आकर डीलर का सुझाव दिया। उसके नियंत्रण में एक घबराहट भरी उम्मीद थी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने स्वीकार करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। एब्लिन ने पाया कि वीर की उसके सबसे बेपरवाह रूम से कैद किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक गोलम राजकुमारी की कैथरीन के टुकड़े पर जीवंत करते हुए एकाग्रता दिखाई दे रही थी। बदले में वीर ने उसकी तस्वीरों को तचों को शामिल करना शुरू कर दिया। शहर की चहल पहल भरी सड़कें शोरगुल के बीच एक अकेले महिला अपनी जटिल पेंडिंग में, हालांकि उनके संबंध अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। एब्लिन के पति डेविड एक सफल व्यवसायी अगलान की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। उनकी शांत स्वीकृति के आदि वो उसकी आंखों में फीकी पड़ती चमक के समझ नहीं पा रहे थे। वीर भी अपराध बोध से
जूझ रहा था उसने अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को धोखा नहीं दिया था, लेकिन एबलिन के साथ उसे जो खुशी महसूस हुई वो अतीत के प्रति अपमान की तरह थी। एबलिन के जन्मदिन के दिन मोड़ आया। डेविड उसके भीतर की उथल पुथल से बेखबर उसे हीर का हार भेंट कराता है, एक ऐसा इशारा जो ठंडा और शोखला लगता है। बाद में बीर जो पहले थी तो हिचकिचाहत रहा था, जो उसने एक लघु पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेला पेड़ जिसकी शाखाएं मानसून की आखिरी जीवन फूलों से लदी हुई थी, इसके नीचे उसके रूमी की एक पंक्ति लिखी थी, गलत एक और उसी करने के लिए बेचारों की तरह उमदे खान थे, जो तुमसे वहाँ मिलेगा। एबलिन की आंखों में आंसू आ गए। एक संघर्षों की एक साझा रहस्य अनिश्चित के बीच कुछ सुंदरता करने का वादा, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं था। डेविड के साथ कच्ची ईमानदारी और अनकही पीड़ा से भरी बातचीत ने उनकी शब्दों को खत्म कर दिया था। फिर ने महसूस और भरी स्वीकारोक्ति और दिल में काफ़ी मांगने की बात आखिरकार खुद को आगे बढ़ने दिया। उनके नया जीवन हालांकि प्यार से भरा था, लेकिन एक बड़ी कथा नहीं थी। समाजीवन करने थे, सामाजिक फुसफुसाहटों की अनदेखा करता था और अपनी लय सोचने के लिए निरंतर संघर्ष करता था, लेकिन उनके छायादार दुनिया में ले जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये सीरीज तवायफे बेशाओं के जीवन के खोज करती है, जो सिर्फ सिर्फ सेक्स वर्कर के कहीं ज़्यादा है। वे कलाकार थी और अक्सर अपने समुदायों से काफ़ी ताकत रखती थी। संभालने इन जटिल महिलाओं को जीवंत करने के लिए मनीषा कोराला, मनीषा सिन्हा और अदिति राव हैदरी सहित कई बेहतरीन कलाकारों को इकट्ठा किया है, जबकि पहले सीजन को अलौकिक से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की समीक्षाएं मिली। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद थी, जिनके कारण दूसरे सीजन के लिए तुरंत नवीनीकरण किया गया था। रामंडी द डायमंड बाजार कोई फिल्म नहीं है, बल्कि दूरदर्शी संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक आकर्षक ऐतिहासिक ड्रामा सीजन है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली यह सीरीज लाहौर के प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरामंडी की रहस्यमय तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। यह भव्य लेकिन जटिल दुनिया ब्रिटिश शासन की भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष के बीच सामने आती है। संभाली की खास शौली युग को जीवंत करती है, जिसने हीरा मंडी की भव्यता के साथ साथ उसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों को दिखाया गया है। हम जिस तवायफों से मिलते हैं जो वे सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं, वे कलाकारों हैं, कलाकारों के और उसके समाज के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। मनीषा कुराला, मीनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जैसे दमदार कलाकारों द्वारा निभाए गए ये किरदार एक आकर्षक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार, शक्ति और आज़ादी की लड़ाई की बारीक खोज वादा करते हैं। हालांकि पहले सीजन को मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई, लेकिन इसमें दर्शकों को आकर्षित किया उसने दूसरे सीजन के लिए शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षक दुनिया में और भी बहुत कुछ आने वाला है। हीरामंडी की कलाकारों में अनुभवी दिग्गज और उभरते सितारे शामिल है। मनीषा कुराला उनकी स्वस्थापित अभिनेत्री ग्रामीण है, इनका अतुलन और अनुभव निश्चित रूप से शाही महल की मुख्य वेश्या मल्लिका जान की उनकी भूमिका के गंभीरता लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा दोहरी भूमिका की चुनौती लगती है, जिसमें वे रेहाना एक भूतपूर्व मुख्य वेश्या और उसकी बेटी फरदन दोनों के किरदार निभा रही है। यह सीरीज हमें प्रतिभा की अगली पीढ़ी से भी परिचित कराती है, जिसमें धर्मील सहगल मल्लिका जान के सबसे छोटी और आलमबेज और उनकी रहस्यमय बहन फरीदा जहनजीत खेर के बीच रोशनी की देखते हुए एक जटिल पारिवारिक गतिशीलता सामने आएगी। कहानी में एक और परत जोड़ती है, जो रिसा चड्डा और मल्लिका जान की पावर बेटी लज्जो का किरदार निभाया गया है। इसमें कहानी रहस्यमय है और उनके बेटा करती है। अंत में सुबूजा ने आलमबेज की प्रेमी तनाव जानबाज की जीवंत किया है तथा हीरामंडी की जटिलताओं के बीच एक संभावित रोमांच का निर्माण किया है। हीरामंडी द डायमंड बाजार ने पारिवारिक सिनेमा के रास्ते के दरकिनार कर दिया और मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है, हालांकि विशिष्ट दर्शक संख्या सभी को गुप्त है। रिपोर्ट्स बताती है कि अपने पहले सप्ताहांतर में 4.5 मिलियन यू के साथ इसने एक मजबूत शुरुआत की। हालांकि इस सीरीज के अगले हफ्तों में दर्शकों को संख्या में कहीं खास ताल नहीं मिला, लेकिन आलोचकों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सीमाएं मिलने के बावजूद इसने दूसरे सीजन में नवीकरण को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त लिमुकिया की हासिल किया। उसने पता चला है कि उसके सीरीज में आकर्षक कहानी प्रतिभाशाली कलाकारों के दर्शकों को आकर्षित किया। इसने ये सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षण दुनिया से और भी बहुत कुछ आने वाला है, एक ऐसा एहसास की जो कि चट्टान के किनारे एक डरावने ऐसा है। कभी मुंबई का जीवंत मानसून, जो आमतौर पर सुकून का स्रोत होता है, उसे उसकी खिड़की पर लगातार ढोल की थाप की तरह महसूस हुआ, जो उसकी आत्मा में बेचैनी को दर्शाती है।
है। उसकी सचिन साल की बाद उनके लिए एक तूफानी का सामना किया, लेकिन हाल ही में यह हरहरों से भरा हुआ महसूस हुआ। उनके बीच की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। शहर के उस पार चांदनी चौक की भुलभुलैया वाली गलियों के बीच भीड़ सहना था। एक समृद्ध लघु चित्रकार, उसकी दुनिया जीवंत रंगों और दुनिया से फुसफुसाती कहानियों से भरी थी। कई सालों तक विदूर रहने के बाद उसे अपने फादर कुत्ते अवतर की शांत सेवाओं में सुकून मिला। मानसून उनके लिए एक प्रेरणा थी। उसकी नमी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कागज की एक निश्चित जीवन प्रदान करती थी। किस्मत एक सारथी कठपुतली से हस्तक्षेप करने फैसला किया। एक व्हील एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो शहर की आत्मा को कैद करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से भरी बारिश के दौरान वीर के छिपे हुए स्टूडियो में जा पहुंची। शहर की तलाश में वो अंदर चली गई। भीतर से निकलने वाली कोमल चमक से आकर्षित हुई। अंदर की हवा चंदन और नम कागज की खुशबू से भरी हुई थी। वीर जिसकी आंखों में हजारों कहानियों की बुद्धि थी ने आशीर्वाद से ऊपर देखा। अबुलिन उनके चांदनी के बालों के एक मुस्कान के साथ जिसमें उदासी का संकेत था ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अप्रत्याशित नरमी फैल गई है। उनकी बातचीत महसूस के बारिश की तरह बह रही थी और सहज और बातचीत उन्होंने कला और हाथी के अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाने वाली शांत सुंदरता के बारे में बात की। फिर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और जिस तरह से उसके जुनून पर चर्चा करते समय उनकी आंखों में चमक उठती थी उसके मोहित हो गया। उसके खुद को और अधिक जानने के लिए इच्छुक पाया। एब्रिन उसकी कोमलता आत्मा और जिस तरह से उसके अनुभवी हाथों से नाजुक ब्रश को पकड़ता था उसने प्रभावित हुई। उसने एक ऐसा संबंध महसूस किया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद और इलारा उसके गंभीर सांस लेता हुआ पाया है। उस रात को उसने एक संबंध हराना होता है। उन्होंने पेरिस के छिपे हुए कोनों के खींच की पटिल पावर की चौकन निगाहों के नीचे कहानियों का सपने साझा किया। इलारा ने खुद को उनके जुनून के और आकर्षित पाया जो उनके सपने मापा अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने सितारों के नीचे चचानक पिकनिक मनाने सूर्योदय को आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगाते देखने की प्रेम प्रति प्रेम की खोज की। ये सब इसलिए क्योंकि उसने उसे इस सरल क्षणों में सुंदरता दिखाई। हालांकि इलारा दिल से एक वैज्ञानिक बनी रही, उसने उनके बंधाओं का विश्लेषण किया। जिस तरह से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था जब वो उसका हाथ पकड़ता, वो अतर्जित गर्मजोशी से जो उसके अंदर फैल जाती थी जब भी वो उसे देखता था, वो आकर्षित था उनकी उपस्थिति की ये जरूरत, उनके स्पर्श की ये तरफ। एक शाम सड़क के बाजार की हलचल के बीच इंडियन अचानक रुक गया। उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर टिकी हुई थी। वो कुछ क्षण बाद बाजार बाहर आया। उसकी बाहों में नीचे लेंस फेयर्स डू माल की एक पुरानी प्रति थी। ओके के मोड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस आकर उसने अपनी समृद्ध परिटोन आवाज में बेडलियर की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। रोमांटिक पीड़ा से सजे शब्द उनकी अपनी अनकही शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने पहले दर्पण की तरह थे। प्यार पागलपन है उनके कहा। जब उसने बात खत्म की तो उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी, लेकिन कभी कभी ये एकात्मात्र पागलपन होता है जिसे पाने की कोई मतलब होता है। इलारा ने पाया कि वो उसके हाथ की ओर बढ़ रही है। उसके स्पर्श की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सेहरन पैदा कर रही है। शायद उसने स्वीकार किया कि उनकी आवाज़ में सांस लेने की आवाज नहीं थी, थोड़ा पागलपन ही चाहिए। उनका पहला चुम्बन बिजली थो जैसा था, एक चिंगारी जिसने उनके भीतर आग लगा दी। ये तर्क और भावना के टकराव था, एक तूफान जो उनके दिल के चारों ओर बनाए गए किले के भीतर डबल रहा था। फिर भी उसके बाहों में चांदी की चौकस निगाहों से नीचे ये अजीब तरह से परिपूर्ण महसूस हुआ। अपने रिश्ते को बढ़ती तीव्रता के बावजूद इलारा सतर्क रही। वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपकी रही, अपने भीतर इस नए आयाम की झमझाने की बेताब कोशिश कर रही थी। उसकी रातें शोध से भरी हुई थी। प्यार की तंत्रिका विज्ञान इस मादक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्लीन। एक दोपहर इलारा को अपने शोध में झुका हुआ पाकर इंडियन ने धीरे से उनके हाथों से किताब ले ली। आओ थोड़ा जी ले, उसके कहा। उसकी आंखों में एक शांति बिनती हुई पाई थी। चलो कहीं नहीं, जगह चलते हैं। उस दिन मूसलधार बारिश में घर के अंदर फंसे हुए एक झिझक भरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने साहित्य के प्रति उनके जुनून के बारे में बात की, जिस तरह से ये उन्हें अलग अलग दुनिया में ले गया, उन्हें जीवंत महसूस कराया। एलेनोर इस बात से हैरान की उनके मुंह से शब्द कितनी आसानी से बोल रहे थे। उसने जेन ऑस्टन की वृद्धि के लिए अपने
प्यार को साझा किया। उसकी आवाज़ वो प्यार के साथ आत्मविश्वास से भर रही थी। जैसे जैसे तूफान थम गया वैसे वैसे उनकी शुरुआती सजगता की कम होती गई। वे बारिश से धुली सड़क से निकल गए। उनके बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। डेविड ने आवेग में आकर डीलर का सुझाव दिया। उसके नियंत्रण में एक घबराहट भरी उम्मीद थी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने स्वीकार करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। एवलिन ने पाया कि बीर की उसके सबसे बेपरवाह रूम से कैद किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक गोलम राजकुमारी की कैथरीन के टुकड़े पर जीवंत करते हुए एकाग्रता दिखाई दे रही थी। बदले में बीर ने उसकी तस्वीरों को तचों को शामिल करना शुरू कर दिया। शहर की चहल पहल भरी सड़कें शोरगुल के बीच एक अकेले महिला अपनी जटिल पेंडिंग में, हालांकि उनके संबंध अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। एवलिन के पति डेविड एक सफल व्यवसायी अगलान की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। उनकी शांत स्वीकृति के आदि वो उसकी आंखों में फीकी पड़ती चमक के समझ नहीं पा रहे थे। बीर भी अपराध बोध से जूझ रहा था। उसने अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को धोखा नहीं दिया था, लेकिन एवलिन के साथ उसे जो खुशी महसूस हुई वो अतीत के प्रति अपमान की तरह थी। एवलिन के जन्मदिन के दिन मोड़ आया। डेविड उसके भीतर के उथल पुथल से बेखबर उसे हीर का हार भेंट कराता है, एक ऐसा इशारा जो ठंडा और शोखला लगता है। बाद में बीर जो पहले थी तो हिचकिचाहत रहा था, जो उसने एक लघु पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेला पेड़ जिसकी शाखाएं मानसून की आखिरी जीवन फूलों से लदी हुई थी, इसके नीचे उसके रूमी की एक पंक्ति लिखी थी, गलत एक और उसी करने के लिए विचारों की तरह उम्दे खान थे जो तुमसे वहाँ मिलेगा। एवलिन की आंखों में आंसू आ गए। एक संघर्षों की एक साझा रहस्य अनिश्चित के बीच कुछ सुंदरता करने का वादा, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं था। डेविड के साथ कच्ची ईमानदारी और उनकी पीड़ा से भरी बातचीत ने उनकी शब्दों को खत्म कर दिया था। फिर ने महसूस और भरी स्वीकारोक्ति और दिल में काफ़ी मांगने की बात आखिरकार खुद को आगे बढ़ने दिया। उनके नया जीवन हालांकि प्यार से भरा था लेकिन एक बड़ी कथा नहीं थी। समाजीवन करने थे, सामाजिक फुसफुसाहटों की अनदेखा करता था और अपनी लय सोचने के लिए निरंतर संघर्ष करता था, लेकिन उनके छायादार दुनिया में ले जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये सीरीज तवायफे बेशाओं के जीवन के खोज करती है जो सिर्फ सेक्स वर्कर के कहीं ज़्यादा है। वे कलाकार थी और अक्सर अपने समुदायों से काफ़ी ताकत रखती थी। संभालने इन जटिल महिलाओं को जीवंत करने के लिए मनीषा कोराला, मनीषा सिन्हा और अदिति राव यहदरी सहित कई बेहतरीन कलाकारों को इकट्ठा किया है, जबकि पहले सीजन को अलौकिक से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की समीक्षाएं मिली। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद थी जिनके कारण दूसरे सीजन के लिए तुरंत नवीनीकरण किया गया था। रामंडी द डायमंड बाजार कोई फिल्म नहीं है बल्कि दूरदर्शी संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक आकर्षक ऐतिहासिक ड्रामा सीजन है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली यह सीरीज लाहौर के प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरामंडी की रहस्यमय तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। यह भव्य लेकिन जटिल दुनिया ब्रिटिश शासन की भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष के बीच सामने आती है। संभाली की खास शौली युग को जीवंत करती है जिसने हीरा मंडी की भव्यता के साथ साथ उसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों को दिखाया गया है। हम जिस तवायफों से मिलते हैं जो वे सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं बेकलाकारों के कलाकारों के और उसके समाज के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। मनीषा कुराला, मीनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जैसे दमदार कलाकारों द्वारा निभाए गए ये किरदार एक आकर्षक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार, शक्ति और आज़ादी की लड़ाई की बारीक खोज वादा करते हैं। हालांकि पहले सीजन को मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई लेकिन इसमें दर्शकों को आकर्षित किया उसने दूसरे सीजन के लिए शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षक दुनिया में और भी बहुत कुछ आने वाला है। हीरामंडी के कलाकारों में अनुभवी दिग्गज और उभरते सितारे शामिल है। मनीषा कुराला उनकी स्वस्थापित अभिनेत्री इसने ग्रामीण है। इनका अतुलन और अनुभव निश्चित रूप से शाही महल की मुख्य वेश्या मल्लिका जान की उनकी भूमिका के गंभीरता लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा दोहरी भूमिका की चुनौती लगती है जिसमें वे रेहाना एक भूतपूर्व मुख्य वेश्या और उसकी बेटी फरदन दोनों के किरदार निभा रही है। यह सीरीज हमें प्रतिभा की अगली पीढ़ी से भी परिचित कराती है जिसमें धर्मेंद्र सहगल मल्लिका जान के सबसे छोटी और आलमबेज और उनकी रहस्यमय बहन फरीदा जहनजीत खेर के बीच रोशनी की देखते हुए एक जटिल पारिवारिक गतिशीलता सामने आएगी। कहानी में एक और परत जोड़ती है जो रिशा चड्ढा और मल्लिका जान की पावर बेटी लज्जो का किरदार निभाया गया है। इसमें कहानी रहस्यमय है और उनके बेटा करती है। अंत में तहा मसाह सुबूजा ने आलमबेज की प्रेमी तनाव जानबाज
कवच की जीवंत किया है तथा हीरा मंडी की जटिलताओं के बीच एक संभावित रोमांच का निर्माण किया है। हीरा मंडी द डायमंड बाजार ने पारिवारिक सिनेमा के रास्ते के दरकिनार कर दिया और मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है। हालांकि विशिष्ट दर्शक संख्या सभी को गुप्त है। रिपोर्ट्स बताती है कि अपने पहले सप्ताहांतर में 4.5 मिलियन यू के साथ इसने एक मजबूत शुरुआत की। हालांकि इस सीरीज के अगले हफ्तों में दर्शकों को संख्या में कहीं खास ताल नहीं मिला, लेकिन आलोचकों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सीमाएं मिलने के बावजूद इसने दूसरे सीजन में नमिकिन को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त लिमुकिया की हासिल किया। उसने पता चला है कि उसके सीरीज में आकर्षक कहानी प्रतिभाशाली कलाकारों के दर्शकों को आकर्षित किया। इसने ये सुनिश्चित हुआ कि हीरा मंडी की आकर्षण दुनिया से और भी बहुत कुछ आने वाला है। एक ऐसा एहसास की जो कि चट्टान के किनारे एक डरावने ऐसा है। कभी मुंबई का जीवंत मानसून जो आमतौर पर सुकून का स्रोत होता है था, उसे उसकी खिड़की पर लगातार ढोल की थाप की तरह महसूस हुआ जो उसकी आत्मा में बेचैनी को दर्शाती है। उसकी सचिन साल की बाद उनके लिए एक तूफानी का सामना किया, लेकिन हाल ही में यह हरों से भरा हुआ महसूस हुआ। उनके बीच की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। शहर के उस पार चांदनी चौक की भुलभुलैया वाली गलियों के बीच भीड़ सहना था। एक समृद्ध लघु चित्रकार उसकी दुनिया जीवंत रंगों और दुनिया से फुसफुसाती कहानियों से भरी थी। कई सालों तक विदूर रहने के बाद उसे अपने वफादार कुत्ते अवतार की शांत सीमाओं में सुकून मिला। मानसून उनके लिए एक प्रेरणा थी। उसकी नमी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कागज की एक निश्चित जीवन प्रदान करती थी। किस्मत एक सहायती कठपुतली से हस्तक्षेप करने फैसला किया। एक व्हील एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो शहर की आत्मा को कैद करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से भरी बारिश के दौरान वीर के छिपे हुए स्टूडियो में जा पहुंची। शहर की तलाश में वो अंदर चली गई। भीतर से निकलने वाली कोमल चमक से आकर्षित हुई। अंदर की हवा चंदन और नम कागज की खुशबू से भरी हुई थी। वीर जिसकी आंखों में हजारों कहानियों की बुद्धि थी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अबुलिन उनके चांदनी के बालों के एक मुस्कान के साथ जिसमें उदासी का संकेत था ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अप्रत्याशित नरमी फैल गई है। उनकी बातचीत महसूस के बारिश की तरह बह रही थी और सहज और बातचीत उन्होंने कला और हाथी के अप्रत्याशित स्थान में पाई जाने वाली शांत सुंदरता के बारे में बात की। फिर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और जिस तरह से उसके जुनून पर चर्चा करते समय उनकी आंखों में चमक उठती थी उसके मोहित हो गया। उसके खुद को और अधिक जानने के लिए इच्छुक पाया। एब्रिन उसकी कोमलता आत्मा और जिस तरह से उसके अनुभवी हाथों से नाजुक ब्रश को पकड़ता था उसने प्रभावित हुई। उसने एक ऐसा संबंध महसूस किया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद और इलारा उसके गंभीरता से लेता हुआ पाया है। उस रात को उसने एक संबंध हराना होता है। उन्होंने पेरिस के छिपे हुए कोनों के खींच की पटिल पावर की चौकन निगाहों के नीचे कहानियों का सपने साझा किया। इलारा ने खुद को उनके जुनून के और आकर्षित पाया जो उनके सपने मापा अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने सितारों के नीचे चचानक पिकनिक मनाने सूर्योदय को आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगाते देखने की प्रेम प्रति प्रेम की खोज की। ये सब इसलिए क्योंकि उसने उसे इस सरल क्षणों में सुंदरता दिखाई। हालांकि इलारा दिल से एक वैज्ञानिक बनी रही। उसने उनके बंधाओं का विश्लेषण किया। जिस तरह से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था जब वो उसका हाथ पकड़ता, वो अतर्जित गर्मजोशी से जो उसके अंदर फैल जाती थी जब भी वो उसे देखता था, वो आकर्षित था उनकी उपस्थिति की ये जरूरत उनके स्पर्श की ये तरफ। एक शाम सड़क के बाजार की हलचल के बीच इंडियन अचानक रुक गया। उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर टिकी हुई थी। वो कुछ क्षण बाद बाजार बाहर आया। उसकी बाहों में नीचे लेंस फेयर्स डू माल की एक पुरानी प्रति थी। ओके के मोड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस आकर उसने अपनी समृद्ध परिटोन आवाज में बेडलियर की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। रोमांटिक पीड़ा से सजे शब्द उनकी अपनी अनकही शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने पहले दर्पण की तरह थे। प्यार पागलपन है उनके कहा। जब उसने बात खत्म की तो उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी, लेकिन कभी कभी ये एकात्मात्र पागलपन होता है जिसे पाने की कोई मतलब होता है। इलारा ने पाया कि वो उसके हाथ की ओर बढ़ रही है। उसके स्पर्श की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सेहरन पैदा कर रही है। शायद उसने स्वीकार किया कि उनकी आवाज़ में सांस लेने की आवाज नहीं थी, थोड़ा पागलपन ही चाहिए। उनका पहला चुम्बन बिजली थो जैसा था, एक चिंगारी जिसने उनके भीतर आग लगा दी। ये तर्क और भावना के टकराव था, एक तूफान जो उनके दिल के चारों ओर बनाए गए किले के भीतर डबल रहा था। फिर भी उसके बाहों में चांदी की चौकस निगाहों से नीचे ये अजीब तरह से परिपूर्ण महसूस हुआ। अपने रिश्ते को
बढ़ती तीव्रता के बावजूद इलारा सतर्क रही। वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपकी रही, अपने भीतर इस नए आयाम की झमझाने की बताव कोशिश कर रही थी। उसकी रातें शोध से भरी हुई थी। प्यार की तंत्रिका विज्ञान इस मादक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्लीन। एक दोपहर इलारा को अपने शोध में झुका हुआ पाकर इंडियन ने धीरे से उनके हाथों से किताब ले ली। आओ थोड़ा जी ले, उसके कहा उसकी आंखों में एक शांति बिनती हुई पाई थी। चलो कहीं नहीं जगह चलते हैं। उस दिन मूसलधार बारिश में घर के अंदर फंसे हुए एक झिझक भरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने साहित्य के प्रति उनके जुनून के बारे में बात की, जिस तरह से ये उन्हें अलग अलग दुनिया में ले गया, उन्हें जीवंत महसूस कराया। एलेनोर इस बात से हैरान की उनके मुंह से शब्द कितनी आसानी से बोल रहे थे। उसने जेन ऑस्टन की वृद्धि के लिए अपने प्यार को साझा किया। उसकी आवाज़ वो प्यार के साथ आत्मविश्वास से भर रही थी। जैसे जैसे तूफान थम गया वैसे वैसे उनकी शुरुआती सजगता की कम होती गई। वे बारिश से धूली सड़क से निकल गए। उनके बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। डेविड ने आवेग में आकर डीलर का सुझाव दिया। उसके नियंत्रण में एक घबराहट भरी उम्मीद थी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने स्वीकार करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। एवलिन ने पाया कि बीर की उसके सबसे बेपरवाह रूम से कैद किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक गोलम राजकुमारी की कैथरीन के टुकड़े पर जीवंत करते हुए एकाग्रता दिखाई दे रही थी। बदले में बीर ने उसकी तस्वीरों को तचों को शामिल करना शुरू कर दिया। शहर की चहल पहल भरी सड़कें शोरगुल के बीच एक अकेले महिला अपनी जटिल पेंडिंग में, हालांकि उनके संबंध अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। एवलिन के पति डेविड एक सफल व्यवसायी अगलान की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। उनकी शांत स्वीकृति के आदि वो उसकी आंखों में फीकी पड़ती चमक के समझ नहीं पा रहे थे। बीर भी अपराध बोध से जूझ रहा था। उसने अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को धोखा नहीं दिया था, लेकिन एवलिन के साथ उसे जो खुशी महसूस हुई वो अतीत के प्रति अपमान की तरह थी। एवलिन के जन्मदिन के दिन मोड़ आया। डेविड उसके भीतर की उथल पुथल से बेखबर उसे हीर का आहार भेंट कराता है, एक ऐसा इशारा जो ठंडा और शोखला लगता है। बाद में बीर जो पहले थी तो हिचकिचाहत रहा था, जो उसने एक लघु पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेला पेड़ जिसकी शाखाएं मानसून की आखिरी जीवन फूलों से लदी हुई थी, इसके नीचे उसके रूमी की एक पंक्ति लिखी थी, गलत एक और उसी करने के लिए विचारों की तरह उम्दे खान थे, जो तुमसे वहाँ मिलेगा। एवलिन की आंखों में आंसू आ गए। एक संघर्षों की एक साझा रहस्य अनिश्चित के बीच कुछ सुंदरता करने का वादा, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं था। डेविड के साथ कच्ची ईमानदारी और उनकी पीड़ा से भरी बातचीत ने उनकी शब्दों को खत्म कर दिया था। फिर ने महसूस और भरी स्वीकारोक्ति और दिल में काफ़ी मांगने की बात आखिरकार खुद को आगे बढ़ने दिया। उनके नया जीवन हालांकि प्यार से भरा था, लेकिन एक बड़ी कथा नहीं थी। समाजीवन करने थे, सामाजिक फुसफुसाहटों की अनदेखा करता था और अपनी लय सोचने के लिए निरंतर संघर्ष करता था, लेकिन उनके छायादार दुनिया में ले जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये सीरीज तवायफे बेशाओं के जीवन के खोज करती है, जो सिर्फ सेक्स वर्कर के कहीं ज़्यादा है। वे कलाकार थी और अक्सर अपने समुदायों से काफ़ी ताकत रखती थी। संभालने इन जटिल महिलाओं को जीवंत करने के लिए मनीषा कोराला, मनीषा सिन्हा और अदिति राव यहदरी सहित कई बेहतरीन कलाकारों को इकट्ठा किया है, जबकि पहले सीजन को अलौकिक से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सिमेशन मिली। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद थी, जिनके कारण दूसरे सीजन के लिए तुरंत नवीनीकरण किया गया था। रामंडी द डायमंड बाजार कोई फिल्म नहीं है, बल्कि दूरदर्शी संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक आकर्षक ऐतिहासिक ड्रामा सीजन है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली यह सीरीज लाहौर के प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरामंडी की रहस्यमय तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। यह भव्य लेकिन जटिल दुनिया ब्रिटिश शासन की भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष के बीच सामने आती है। संभाली की खास शौली इस युग को जीवंत करती है, जिसने हीरा मंडी की भव्यता के साथ साथ उसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों को दिखाया गया है। हम जिस तवायफों से मिलते हैं जो वे सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं, वे कलाकारों के और उसके समाज के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। मनीषा कुराला, मीनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जैसे दमदार कलाकारों द्वारा निभाए गए ये किरदार एक आकर्षक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार, शक्ति और आज़ादी की लड़ाई की बारीक खोज वादा करते हैं। हालांकि पहले सीजन को मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई, लेकिन इसमें दर्शकों को आकर्षित किया उसने दूसरे सीजन के लिए शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षक दुनिया में और भी बहुत कुछ आने वाला है। हीरामंडी के कलाकारों में अनुभवी दिग्गज और उभरते सितारे शामिल है। मनीषा कुराला उनकी स्थापित अभिनेत्री
जिसने ग्रामीण है इनका अतुलन और अनुभव निश्चित रूप से शाही महल की मुख्य वेश्या मल्लिका जहान की उनकी भूमिका के गंभीरता लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा दोहरी भूमिका की चुनौती लगती है, जिसमें वे रेहाना एक भूतपूर्व मुख्य वेश्या और उसकी बेटी फरदन दोनों के किरदार निभा रही है। यह सीरीज हमें प्रतिभा की अगली पीढ़ी से भी परिचित कराती है, जिसमें धर्मील सहगल मल्लिका जान की सबसे छोटी और आलमबेज और उनकी रहस्यमय बहन फरीदा जहांजीत खेल के बीच रोशनी की देखते हुए एक जटिल पारिवारिक गतिशीलता सामने आएगी। कहानी में एक और परत जोड़ती है, जो रिसा चड्डा और मल्लिका जान की पावर बेटी लज्जो का किरदार निभाया गया है। इसमें कहानी रहस्यमय है और उनके बेटा करती है। अंत में तहा मसाह सुबूजा ने आलमबेज की प्रेमी तनाव जानबाज की जीवंत किया है तथा हीरा मंडी की जटिलताओं के बीच एक संभावित रोमांच का निर्माण किया है। हीरा मंडी द डायमंड बाजार ने पारिवारिक सिनेमा के रास्ते के दरकिनार कर दिया और मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है, हालांकि विशिष्ट दर्शक संख्या सभी को गुप्त है। रिपोर्ट्स बताती है कि अपने पहले सप्ताहांतर में 4.5 मिलियन यू के साथ इसने एक मजबूत शुरुआत की। हालांकि इस सीरीज के अगले हफ्तों में दर्शकों को संख्या में कहीं खास ताल नहीं मिला, लेकिन आलोचकों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सीमाएं मिलने के बावजूद इसने दूसरे सीजन में नवीकिन को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त लिमुकिया की हासिल किया। उसने पता चला है कि उसके सीरीज में आकर्षक कहानी प्रतिभाशाली कलाकारों के दर्शकों को आकर्षित किया। इसने ये सुनिश्चित हुआ कि हीरा मंडी के आकर्षण दुनिया से और भी बहुत कुछ आने वाला है, एक ऐसा एहसास की जो कि चट्टान के किनारे एक डरावने ऐसा है। कभी मुंबई का जीवंत मानसून जो आमतौर पर सुकून का स्रोत होता है था, उसे उसकी खिड़की पर लगातार ढोल की स्थाप की उतरा महसूस हुआ, जो उसकी आत्मा में बेचैनी को दर्शाती है। उसकी सचिन साल की बाद उनके लिए एक तूफानी का सामना किया, लेकिन हाल ही में यह हरहरों से भरा हुआ महसूस हुआ। उनके बीच की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। शहर के उस पार चांदनी चौक की भुलभुलैया वाली गलियों के बीच भीड़ सहना था। एक समृद्ध लघु चित्रकार उसकी दुनिया जीवंत रंगों और दुनिया से फुसफुसाती कहानियों से भरी थी। कई सालों तक विदूर रहने के बाद उसे अपने फादर कुत्ते अवतर की शांत सीमाओं में सुकून मिला। मानसून उनके लिए एक प्रेरणा थी, उसकी नमी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कागज की एक निश्चित जीवन प्रदान करती थी। किस्मत एक सहायती कठपुतली ते हस्तक्षेप करने फैसला किया। एक व्हील एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो शहर की आत्मा को कैद करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से भरी बारिश के दौरान वीर के छिपे हुए स्टूडियो में जा पहुंची। शहर की तलाश में वो अंदर चली गई, भीतर से निकलने वाली कोमल चमक से आकर्षित हुई। अंदर की हवा चंदन और नम कागज की खुशबू से भरी हुई थी। वीर जिसकी आंखों में हजारों कहानियों की बुद्धि थी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अबुलिन उनके चांदनी के बालों के एक मुस्कान के साथ जिसमें उदासी का संकेत था ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अप्रत्याशित नरमी फैल गई है। उनकी बातचीत महसूस के बारिश की तरह बह रही थी और सहज और बातचीत उन्होंने कला और हाथी के अप्रत्याशित स्थान में पाई जाने वाली शांत सुंदरता के बारे में बात की। फिर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और जिस तरह से उसके जुनून पर चर्चा करते समय उनकी आंखों में चमक उठती थी, उसके मोहित हो गया, उसके खुद को और अधिक जानने के लिए इच्छुक पाया। एब्रिन उसकी कोमलता आत्मा और जिस तरह से उसके अनुभवी हाथों से नाजुक ब्रश को पकड़ता था उसने प्रभावित हुई। उसने एक ऐसा संबंध महसूस किया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद और इलारा उसके गंभीरता से लेता हुआ पाया है। उस रात को उसने एक संबंध हराना होता है। उन्होंने पेरिस के छिपे हुए कोनों के खींच की पटिल पावर की चौकन निगाहों के नीचे कहानियों का सपने साझा किया। इलारा ने खुद को उनके जुनून के और आकर्षित पाया जो उनके सपने मापा अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने सितारों के नीचे चचालक पिकनिक मनाने सूर्योदय को आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगाते देखने की प्रेम प्रति प्रेम की खोज की। ये सब इसलिए क्योंकि उसने उसे इस सरल क्षणों में सुंदरता दिखाई। हालांकि इलारा दिल से एक वैज्ञानिक बनी रही, उसने उनके बंधाओं का विश्लेषण किया। जिस तरह से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था जब वो उसका हाथ पकड़ता, वो अतर्जित गर्मजोशी से जो उसके अंदर फैल जाती थी जब भी वो उसे देखता था, वो आकर्षित था उनकी उपस्थिति की ये जरूरत, उनके स्पर्श की ये तरफ। एक शाम सड़क के बाजार की हलचल के बीच इंडियन अचानक रुक गया। उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर टिकी हुई थी। वो कुछ क्षण बाद बाजार बाहर आया। उसकी बाहों में नीचे लेंस फेयर्स डू माल की एक पुरानी प्रति थी। ओके के मोड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस आकर उसने अपनी समृद्ध परिटोन आवाज में
बेडरलियर की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। रोमांटिक पीड़ा से सजे शब्द उनकी अपनी अनकही शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण की तरह थे। प्यार पागलपन है उनके कहा, जब उसने बात खत्म की तो उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी। लेकिन कभी कभी ये एकमात्र पागलपन होता है जिसे पाने की कोई मतलब होता है। इलारा ने पाया कि वो उसके हाथ की ओर हम बढ़ रही है, उसके स्पर्श की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सहरन पैदा कर रही है। शायद उसने स्वीकार किया कि उनकी आवाज़ में सांस लेने की आवाज़ नहीं थी, थोड़ा पागलपन ही चाहिए। उनका पहला चुम्बन बिजली थो जैसा था, एक चिंगारी जिसने उनके भीतर आग लगा दी। ये तर्क और भावना के टकराव था, एक तूफान जो उनके दिल के चारों ओर बनाए गए किले के भीतर डबल रहा था। फिर भी उसके बाहों में चांदी की चौकस निगाहों से नीचे ये अजीब तरह से परिपूर्ण महसूस हुआ। अपने रिश्ते को बढ़ती तीव्रता के बावजूद इलारा सतर्क रही, वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपकी रही, अपने भीतर इस नए आयाम की झमझाने की बताव कोशिश कर रही थी। उसकी रातें शोध से भरी हुई थी। प्यार की तंत्रिका विज्ञान इस मादक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्लीन। एक दोपहर इलारा को अपने शोध में झुका हुआ पाकर इंडियन ने धीरे से उनके हाथों से किताब ले ली। आओ थोड़ा जी ले, उसके कहा, उसकी आंखों में एक शांति बिनती हुई पाई थी। चलो कहीं नहीं, जगह चलते हैं। उस दिन मूसलधार बारिश में घर के अंदर फंसे हुए एक झिझक भरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने साहित्य के प्रति उनके जुनून के बारे में बात की, जिस तरह से ये उन्हें अलग अलग दुनिया में ले गया, उन्हें जीवंत महसूस कराया। एलेनोर इस बात से हैरान की, उनके मुंह से शब्द कितनी आसानी से बोल रहे थे। उसने जेन ऑस्टन की वृद्धि के लिए अपने प्यार को साझा किया। उसकी आवाज़ वो प्यार के साथ आत्मविश्वास से भर रही थी। जैसे जैसे तूफान थम गया वैसे वैसे उनकी शुरुआती सहजता की कम होती गई। वे बारिश से धूली सड़क से निकल गए, उनके बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। डेविड ने आवेग में आकर डीलर का सुझाव दिया, उसके नियंत्रण में एक घबराहट भरी उम्मीद थी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने स्वीकार करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। एवलिन ने पाया कि बीर की उसके सबसे बेपरवाह रूम से कैद किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक गोलम राजकुमारी की कैथरीन के टुकड़े पर जीवंत करते हुए एकाग्रता दिखाई दे रही थी। बदले में वीर ने उसकी तस्वीरों को तचों को शामिल करना शुरू कर दिया। शहर की चहल पहल भरी सड़कें शोरगुल के बीच एक अकेले महिला अपनी जटिल पेंडिंग में, हालांकि उनके संबंध अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। एवलिन के पति डेविड एक सफल व्यवसायी अगलान की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। उनकी शांत स्वीकृति के आदि वो उसकी आंखों में फीकी पड़ती चमक के समझ नहीं पा रहे थे। वीर भी अपराध बोध से जूझ रहा था, उसने अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को धोखा नहीं दिया था, लेकिन एवलिन के साथ उसे जो खुशी महसूस हुई वो अतीत के प्रति अपमान की तरह थी। एवलिन के जन्मदिन के दिन मोड़ आया, डेविड उसके भीतर की उथल पुथल से बेखबर उसे हीर का आहार भेंट कराता है, एक ऐसा इशारा जो ठंडा और शोखला लगता है। बाद में वीर जो पहले थी तो हिचकिचाहत रहा था, जो उसने एक लघु पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेला पेड़ जिसकी शाखाएं मानसून की आखिरी जीवन फूलों से लदी हुई थी, इसके नीचे उसके रूमी की एक पंक्ति लिखी थी, गलत एक और उसी करने के लिए विचारों की तरह उम्दे खान थे, जो तुमसे वहाँ मिलेगा। एवलिन की आंखों में आंसू आ गए, एक संघर्षों की एक साझा रहस्य अनिश्चित के बीच कुछ सुंदरता करने का वादा, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं था। डेविड के साथ कच्ची ईमानदारी और उनकी पीड़ा से भरी बातचीत ने उनकी शब्दों को खत्म कर दिया था। फिर ने महसूस और भरी स्वीकारोक्ति और दिल में काफ़ी मांगने की बात आखिरकार खुद को आगे बढ़ने दिया। उनके नया जीवन हालांकि प्यार से भरा था लेकिन एक बड़ी कथा नहीं थी। समाजीवन करने थे, सामाजिक फुसफुसाहटों की अनदेखा करता था और अपनी लय सोचने के लिए निरंतर संघर्ष करता था, लेकिन उनके छायादार दुनिया में ले जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये सीरीज तबायफे बेशाओं के जीवन के खोज करती है, जो सिर्फ सेक्स वर्कर के कहीं ज़्यादा है। वे कलाकार थी और अक्सर अपने समुदायों से काफ़ी ताकत रखती थी। संभालने इन जटिल महिलाओं को जीवंत करने के लिए मनीषा कोराला, मनीषा सिन्हा और अदिति राव यहदरी सहित कई बेहतरीन कलाकारों को इकट्ठा किया है, जबकि पहले सीजन को अलौकिक से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सिमेशन मिली। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद थी, जिनके कारण दूसरे सीजन के लिए तुरंत नवीनीकरण किया गया था। रामंडी द डायमंड बाजार कोई फिल्म नहीं है बल्कि दूरदर्शी संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक आकर्षक ऐतिहासिक ड्रामा सीजन है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली यह सीरीज लाहौर के प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट वीरामंडी की रहस्यमय
तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। यह भव्य लेकिन जटिल दुनिया ब्रिटिश शासन की भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष के बीच सामने आती है। समाली की खास शैली इस युग को जीवंत करती है, जिसने हीरा मंडी की भव्यता के साथ साथ उसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों को दिखाया गया है। हम जिस तवायफों से मिलते हैं जो वे सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं, वे कलाकारों के और उसके समाज के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। मनीषा कुरैला, मीनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जैसे दमदार कलाकारों द्वारा निभाए गए ये किरदार एक आकर्षक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार, शक्ति और आज़ादी की लड़ाई की बारीक खोज वादा करते हैं। हालांकि पहले सीजन को मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई, लेकिन इसमें दर्शकों को आकर्षित किया उसने दूसरे सीजन के लिए शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ, जिसमें ये सुनिश्चित हुआ कि हीरा मंडी की आकर्षक दुनिया में और भी बहुत कुछ आने वाला है। हीरा मंडी की कलाकारों में अनुभवी दिग्गज और उभरते सितारे शामिल है। मनीषा कुरैला उनकी स्वस्थापित अभिनेत्री जिसने ग्रामीण है, इनका अतुलन और अनुभव निश्चित रूप से शाही महल की मुख्य वेश्या मल्लिका जान की उनकी भूमिका के गंभीरता लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा दोहरी भूमिका की चुनौती लगती है, जिसमें वे रेहाना एक भूतपूर्व मुख्य वेश्या और उसकी बेटी फरदन दोनों के किरदार निभा रही है। यह सीरीज हमें प्रतिभा की अगली पीढ़ी से भी परिचित कराती है, जिसमें धर्मेंद्र सहगल मल्लिका जान की सबसे छोटी और आलमबेज और उनकी रहस्यमय बहन फरीदा जहनजीत खेल के बीच रोशनी की देखते हुए एक जटिल पारिवारिक गतिशीलता सामने आएगी। कहानी में एक और परत जोड़ती है जो रिशा चड्ढा और मल्लिका जान की पावर बेटी लज्जो का किरदार निभाया गया है। इसमें कहानी रहस्यमय है और उनके बेटा करती है। अंत में तहा सुबूजा ने आलमबेज की प्रेमी तनाव जानबाज की जीवंत किया है तथा हीरा मंडी की जटिलताओं के बीच एक संभावित रोमांच का निर्माण किया है। हीरा मंडी द डायमंड बाजार ने पारिवारिक सिनेमा के रास्ते के दरकिनार कर दिया और मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है, हालांकि विशिष्ट दर्शक संख्या सभी को गुप्त है। रिपोर्ट्स बताती है कि अपने पहले सप्ताहांतर में 4.5 मिलियन यू के साथ इसने एक मजबूत शुरुआत की। हालांकि इस सीरीज के अगले हफ्तों में दर्शकों को संख्या में कहीं खास ताल नहीं मिला, लेकिन आलोचकों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सीमाएं मिलने के बावजूद इसने दूसरे सीजन में नवीकरण को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त लिमुखिया की हासिल किया। उसने पता चला है कि उसके सीरीज में आकर्षक कहानी प्रतिभाशाली कलाकारों के दर्शकों को आकर्षित किया। इसने ये सुनिश्चित हुआ कि हीरा मंडी की आकर्षण दुनिया से और भी बहुत कुछ आने वाला है। एक ऐसा एहसास की जो कि चट्टान के किनारे एक डरावने ऐसा है। कभी मुंबई का जीवंत मानसून जो आमतौर पर सुकून का स्रोत होता है था, उसे उसकी खिड़की पर लगातार ढोल की थाप की तरह महसूस हुआ, जो उसकी आत्मा में बेचैनी को दर्शाती है। उसकी सचिन साल की बाद उनके लिए एक तूफानी का सामना किया, लेकिन हाल ही में यह हरहरों से भरा हुआ महसूस हुआ। उनके बीच की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। शहर के उस पार चांदनी चौक की भुलभुलैया वाली गलियों के बीच भीड़ सहना था। एक समृद्ध लघु चित्रकार उसकी दुनिया जीवंत रंगों और दुनिया से फुसफुसाती कहानियों से भरी थी। कई सालों तक विदूर रहने के बाद उसे अपने फादर कुत्ते अवतर की शांत सीमाओं में सुकून मिला। मानसून उनके लिए एक प्रेरणा थी। उसकी नमी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कागज की एक निश्चित जीवन प्रदान करती थी। किस्मत एक सारथी कठपुतली से हस्तक्षेप करने फैसला किया। एक व्हील एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो शहर की आत्मा को कैद करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से भरी बारिश के दौरान वीर के छिपे हुए स्टूडियो में जा पहुंची। शहर की तलाश में वो अंदर चली गई। भीतर से निकलने वाली कोमल चमक से आकर्षित हुई। अंदर की हवा चंदन और नम कागज की खुशबू से भरी हुई थी। वीर जिसकी आंखों में हजारों कहानियों की बुद्धि थी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अबुलिन उनके चांदनी के बालों के एक मुस्कान के साथ जिसमें उदासी का संकेत था ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अप्रत्याशित नरमी फैल गई है। उनकी बातचीत महसूस के बारिश की तरह बह रही थी और सहज और बातचीत उन्होंने कला और हाथी के अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाने वाली शांत सुंदरता के बारे में बात की। फिर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और जिस तरह से उसके जुनून पर चर्चा करते समय उनकी आंखों में चमक उठती थी उसके मोहित हो गया। उसके खुद को और अधिक जानने के लिए इच्छुक पाया। एब्रिन उसकी कोमलता आत्मा और जिस तरह से उसके अनुभवी हाथों से नाजुक ब्रश को पकड़ता था उसने प्रभावित हुई। उसने एक ऐसा संबंध महसूस किया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद और इलारा उसके गंभीरता से लेता हुआ पाया है। उस रात को उसने एक संबंध हराना होता है। उन्होंने पेरिस के छिपे हुए कोनों के खींच की पटिल पावर की चौकन निगाहों के नीचे कहानियों का सपने साझा किया। इलारा ने खुद को उनके जुनून के और आकर्षित पाया जो उनके सपने मापा अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने सितारों के नीचे चचालक पिकनिक मनाने सूर्योदय को आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगाते देखने की प्रेम
प्रति प्रेम की खोज की। ये सब इसलिए क्योंकि उसने उसे इस सरल क्षणों में सुंदरता दिखाई। हालांकि इलारा दिल से एक वैज्ञानिक बनी रही, उसने उनके बंधाओं का विश्लेषण किया। जिस तरह से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था जब वो उसका हाथ पकड़ता, वो अतर्जित गर्मजोशी से जो उसके अंदर फैल जाती थी जब भी वो उसे देखता था, वो आकर्षित था उनकी उपस्थिति की, ये जरूरत उनके स्पर्श की। ये तरफ एक शाम सड़क के बाजार की हलचल के बीच इंडियन अचानक रुक गया। उसकी नज़र एक पुरानी किताबों की दुकान पर टिकी हुई थी। वो कुछ क्षण बाद बाजार बाहर आया। उसकी बाहों में नीचे लेंस फेयर्स डू माल की एक पुरानी प्रति थी। ओके के मोड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस आकर उसने अपनी समृद्ध परिटोन आवाज में बेडलियर की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। रोमांटिक पीड़ा से सजे शब्द उनकी अपनी अनकही शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण की तरह थे। प्यार पागलपन है, उनके कहा। जब उसने बात खत्म की तो उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी, लेकिन कभी कभी ये एकमात्र पागलपन होता है जिसे पाने की कोई मतलब होता है। इलारा ने पाया कि वो उसके हाथ की ओर बढ़ रही है। उसके स्पर्श की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सहरन पैदा कर रही है। शायद उसने स्वीकार किया कि उनकी आवाज़ में सांस लेने की आवाज नहीं थी, थोड़ा पागलपन ही चाहिए। उनका पहला चुम्बन बिजली थो जैसा था, एक चिंगारी जिसने उनके भीतर आग लगा दी। ये तर्क और भावना के टकराव था, एक तूफान जो उनके दिल के चारों ओर बनाए गए किले के भीतर डबल रहा था। फिर भी उसके बाहों में चांदी की चौकस निगाहों से नीचे ये अजीब तरह से परिपूर्ण महसूस हुआ। अपने रिश्ते को बढ़ती तीव्रता के बावजूद इलारा सतर्क रही। वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपकी रही, अपने भीतर इस नए आयाम की झमझाने की बताव कोशिश कर रही थी। उसकी रातें शोध से भरी हुई थी। प्यार की तंत्रिका विज्ञान इस मादक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्लीन। एक दोपहर इलारा को अपने शोध में झुका हुआ पाकर इंडियन ने धीरे से उनके हाथों से किताब ले ली। आओ थोड़ा जी ले, उसके कहा। उसकी आंखों में एक शांति बिनती हुई पाई थी। चलो कहीं नहीं, जगह चलते हैं। उस दिन मूसलधार बारिश में घर के अंदर फंसे हुए एक झिझक भरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने साहित्य के प्रति उनके जुनून के बारे में बात की, जिस तरह से ये उन्हें अलग अलग दुनिया में ले गया, उन्हें जीवंत महसूस कराया। एलेनोर इस बात से हैरान की, उनके मुंह से शब्द कितनी आसानी से बोल रहे थे। उसने जेन ऑस्टन की वृद्धि के लिए अपने प्यार को साझा किया। उसकी आवाज़ वो प्यार के साथ आत्मविश्वास से भर रही थी। जैसे जैसे तूफान थम गया वैसे वैसे उनकी शुरुआती सजगता की कम होती गई। वे बारिश से धूली सड़क से निकल गए। उनके बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। डेविड ने आवेग में आकर डीलर का सुझाव दिया। उसके नियंत्रण में एक घबराहट भरी उम्मीद थी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने स्वीकार करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। एवलिन ने पाया कि वीर की उसके सबसे बेपरवाह रूम से कैद किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक गोलम राजकुमारी की कैथरीन के टुकड़े पर जीवंत करते हुए एकाग्रता दिखाई दे रही थी। बदले में वीर ने उसकी तस्वीरों को तचों को शामिल करना शुरू कर दिया। शहर की चहल पहल भरी सड़कें शोरगुल के बीच एक अकेले महिला अपनी जटिल पेंडिंग में, हालांकि उनके संबंध अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। एवलिन के पति डेविड एक सफल व्यवसायी अगलान की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। उनकी शांत स्वीकृति के आदि वो उसकी आंखों में फीकी पड़ती चमक के समझ नहीं पा रहे थे। वीर भी अपराध बोध से जूझ रहा था। उसने अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को धोखा नहीं दिया था, लेकिन एवलिन के साथ उसे जो खुशी महसूस हुई वो अतीत के प्रति अपमान की तरह थी। एवलिन के जन्मदिन के दिन मोड़ आया। डेविड उसके भीतर की उथल पुथल से बेखबर उसे हीर का हार भेंट कराता है, एक ऐसा इशारा जो ठंडा और शोखला लगता है। बाद में वीर जो पहले थी तो हिचकिचाहत रहा था, जो उसने एक लघु पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेला पेड़ जिसकी शाखाएं मानसून की आखिरी जीवन फूलों से लदी हुई थी, उसके नीचे उसके रूमी की एक पंक्ति लिखी थी, गलत एक और उसी करने के लिए विचारों की तरह उम्दे खान थे जो तुमसे वहाँ मिलेगा। एवलिन की आंखों में आंसू आ गए। एक संघर्षों की एक साझा रहस्य अनिश्चित के बीच कुछ सुंदरता करने का वादा, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं था। डेविड के साथ कच्ची ईमानदारी और उनकी पीड़ा से भरी बातचीत ने उनकी शब्दों को खत्म कर दिया था। फिर ने महसूस और भरी स्वीकारोक्ति और दिल में काफ़ी मांगने की बात आखिरकार खुद को आगे बढ़ने दिया। उनके नया जीवन हालांकि प्यार से भरा था लेकिन एक बड़ी कथा नहीं थी। समाजीवन करने थे, सामाजिक फुसफुसाहटों की अनदेखा करता था और अपनी लय सोचने के लिए निरंतर संघर्ष करता था, लेकिन उनके छायादार दुनिया में ले जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये सीरीज तवायफ
बेशाओं के जीवन की खोज करती है जो सिर्फ सिर्फ सेक्स वर्कर के कहीं ज्यादा है। वे कलाकार थी और अक्सर अपने समुदायों से काफी ताकत रखती थी। संभालने इन जटिल महिलाओं को जीवंत करने के लिए मनीषा कोड़ाला, मनीषा सिन्हा और अदिति राव यहदरी सहित कई बेहतरीन कलाकारों को इकट्ठा किया है। जबकि पहले सीजन को अलौकिक से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की समीक्षाएं मिली। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद थी जिनके कारण दूसरे सीजन के लिए तुरंत नवीनीकरण किया गया था। हीरामंडी द डायमंड बाजार कोई फिल्म नहीं है बल्कि दूरदर्शी संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक आकर्षक ऐतिहासिक ड्रामा सीजन है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली यह सीरीज लाहौर के प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरामंडी की रहस्यमय तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। यह भव्य लेकिन जटिल दुनिया ब्रिटिश शासन की भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष के बीच सामने आती है। संभाली की खास शौली इस युग को जीवंत करती है जिसने हीरा मंडी की भव्यता के साथ साथ उसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों को दिखाया गया है। हम जिस तवायफों से मिलते हैं जो वे सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं बेकलाकारों के कलाकारों के और उसके समाज के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। मनीषा कुरैला, मीनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जैसे दमदार कलाकारों द्वारा निभाए गए ये किरदार एक आकर्षक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार, शक्ति और आज़ादी की लड़ाई की बारीक खोज वादा करते हैं। हालांकि पहले सीजन को मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई लेकिन इसमें दर्शकों को आकर्षित किया उसने दूसरे सीजन के लिए शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षक दुनिया में और भी बहुत कुछ आने वाला है। हीरामंडी के कलाकारों में अनुभवी दिग्गज और उभरते सितारे शामिल है। मनीषा कुरैला उनकी स्वस्थापित अभिनेत्री जिसने ग्रामीण है, इनका अतुलन और अनुभव निश्चित रूप से शाही महल की मुख्य वेश्या मल्लिका जान की उनकी भूमिका के गंभीरता लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा दोहरी भूमिका की चुनौती लगती है जिसमें वे रेहाना एक भूतपूर्व मुख्य वेश्या और उसकी बेटी फरदन दोनों के किरदार निभा रही है। यह सीरीज हमें प्रतिभा की अगली पीढ़ी से भी परिचित कराती है जिसमें धर्मील सहगल मल्लिका जान की सबसे छोटी और आलमबेज और उनकी रहस्यमय बहन फरीदा जहनजीत खेल के बीच रोशनी की देखते हुए एक जटिल पारिवारिक गतिशीलता सामने आएगी। कहानी में एक और परत जोड़ती है जो रिशा चड्ढा और मल्लिका जान की पावर बेटी लज्जो का किरदार निभाया गया है। इसमें कहानी रहस्यमय है और उनके बेटा करती है। अंत में सुबूजा ने आलमबेज की प्रेमी तनाव जानबाज की जीवंत किया है तथा हीरामंडी की जटिलताओं के बीच एक संभावित रोमांच का निर्माण किया है। हीरामंडी द डायमंड बाजार ने पारिवारिक सिनेमा के रास्ते के दरकिनार कर दिया और मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है। हालांकि विशिष्ट दर्शक संख्या सभी को गुप्त है। रिपोर्ट्स बताती है कि अपने पहले सप्ताहांतर में 4.5 मिलियन यू के साथ इसने एक मजबूत शुरुआत की। हालांकि इस सीरीज के अगले हफ्तों में दर्शकों को संख्या में कहीं खास ताल नहीं मिला लेकिन आलोचकों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सीमाएं मिलने के बावजूद इसने दूसरे सीजन में नवीकरण को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त लिमुकिया की हासिल किया। उसने बता चला है कि उसके सीरीज में आकर्षक कहानी प्रतिभाशाली कलाकारों के दर्शकों को आकर्षित किया। इसने ये सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षण दुनिया से और भी बहुत कुछ आने वाला है। एक ऐसा एहसास की जो कि चट्टान के किनारे एक डरावने ऐसा है। कभी मुंबई का जीवंत मानसून जो आमतौर पर सुकून का स्रोत होता है था उसे उसकी खिड़की पर लगातार ढोल की थाप की तरह महसूस हुआ जो उसकी आत्मा में बेचैनी को दर्शाती है। उसकी सचिन साल की बाद उनके लिए एक तूफानी का सामना किया लेकिन हाल ही में यह हरहरों से भरा हुआ महसूस हुआ। उनके बीच की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। शहर के उस पार चांदनी चौक की भुलभुलैया वाली गलियों के बीच भीड़ सहना था। एक समृद्ध लघु चित्रकार उसकी दुनिया जीवंत रंगों और दुनिया से फुसफुसाती कहानियों से भरी थी। कई सालों तक विदूर रहने के बाद उसे अपने फादर कुत्ते अवतर की शांत सीमाओं में सुकून मिला। मानसून उनके लिए एक प्रेरणा थी। उसकी नमी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कागज की एक निश्चित जीवन प्रदान करती थी। किस्मत एक सारथी कठपुतली से हस्तक्षेप करने फैसला किया। एक व्हील एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो शहर की आत्मा को कैद करने के लिए जानी जाती है विशेष रूप से भरी बारिश के दौरान वीर के छिपे हुए स्टूडियो में जा पहुंची। शहर की तलाश में वो अंदर चली गई। भीतर से निकलने वाली कोमल चमक से आकर्षित हुई अंदर की हवा चंदन नम कागज की खुशबू से भरी हुई थी। वीर जिसकी आंखों में हजारों कहानियों की बुद्धि थी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अबुलिन उनके चांदनी
इनके बालों के एक मुस्कान के साथ जिसमें उदासी का संकेत था ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अप्रत्याशित नरमी फैल गई है। उनकी बातचीत महसूस की बारिश की तरह बह रही थी और सहज और बातचीत। उन्होंने कला और हाथी के अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाने वाली शांत सुंदरता के बारे में बात की। फिर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और जिस तरह से उसके जुनून पर चर्चा करते समय उनकी आंखों में चमक उठती थी उसके मोहित हो गया। उसके खुद को और अधिक जानने के लिए इच्छुक पाया। एब्रिन उसकी कोमलता आत्मा और जिस तरह से उसके अनुभवी हाथों से नाजुक ब्रश को पकड़ता था उसने प्रभावित हुई। उसने एक ऐसा संबंध महसूस किया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद और इलारा उसके गंभीरता से लेता हुआ पाया है। उस रात को उसने एक संबंध हराना होता है। उन्होंने पेरिस के छिपे हुए कोनों के खींच की पटिल पावर की चौकन निगाहों के नीचे कहानियों का सपने साझा किया। इलारा ने खुद को उनके जुनून के और आकर्षित पाया जो उनके सपने मापा अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने सितारों के नीचे चचालक पिकनिक मनाने सूर्योदय को आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगाते देखने की प्रेम प्रति प्रेम की खोज की। ये सब इसलिए क्योंकि उसने उसे इस सरल क्षणों में सुंदरता दिखाई। हालांकि इलारा दिल से एक वैज्ञानिक बनी रही उसने उनके बंधाओं का विश्लेषण किया। जिस तरह से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था जब वो उसका हाथ पकड़ता वो अतर्जित गर्मजोशी से जो उसके अंदर फैल जाती थी जब भी वो उसे देखता था वो आकर्षित था। उनकी उपस्थिति की ये जरूरत उनके स्पर्श की ये तरफ। एक शाम सड़क के बाजार की हलचल के बीच इंडियन अचानक रुक गया। उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर टिकी हुई थी। वो कुछ क्षण बाद बाजार बाहर आया। उसकी बाहों में नीचे लेंस फेयर्स डू माल की एक पुरानी प्रति थी। ओके के मोड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस आकर उसने अपनी समृद्ध परिटोन आवाज में बेडलियर की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। रोमांटिक पीड़ा से सजे शब्द उनकी अपनी अनकही शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण की तरह थे। प्यार पागलपन है उनके कहा। जब उसने बात खत्म की तो उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी। लेकिन कभी कभी ये एकात्मात्र पागलपन होता है जिसे पाने की कोई मतलब होता है। इलारा ने पाया कि वो उसके हाथ की ओर बढ़ रही है। उसके स्पर्श की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सहरन पैदा कर रही है। शायद उसने स्वीकार किया कि उनकी आवाज़ में सांस लेने की आवाज नहीं थी। थोड़ा पागलपन ही चाहिए। उनका पहला चुम्बन बिजली थो जैसा था। एक चिंगारी जिसने उनके भीतर आग लगा दी। ये तर्क और भावना के टकराव था। एक तूफान जो उनके दिल के चारों ओर बनाए गए किले के भीतर डबल रहा था। फिर भी उसके बाहों में चांदी की चौकस निगाहों से नीचे ये अजीब तरह से परिपूर्ण महसूस हुआ। अपने रिश्ते को बढ़ती तीव्रता के बावजूद इलारा सतर्क रही। वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपकी रही। अपने भीतर इस नए आयाम की झमझाने की बताव कोशिश कर रही थी। उसकी रातें शोध से भरी हुई थी। प्यार की तंत्रिका विज्ञान इस मादक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्लीन। एक दोपहर इलारा को अपने शोध में झुका हुआ पाकर इंडियन ने धीरे से उनके हाथों से किताब ले ली। आओ थोड़ा जी ले उसके कहा। उसकी आंखों में एक शांति बिनती हुई पाई थी। चलो कहीं नहीं जगह चलते हैं। उस दिन मूसलाधार बारिश में घर के अंदर फंसे हुए एक झिझक भरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने साहित्य के प्रति उनके जुनून के बारे में बात की। जिस तरह से ये उन्हें अलग अलग दुनिया में ले गया उन्हें जीवंत महसूस कराया। एलेनोर इस बात से हैरान की उनके मुंह से शब्द कितनी आसानी से बोल रहे थे। उसने जेन ऑस्टन की वृद्धि के लिए अपने प्यार को साझा किया। उसकी आवाज़ वो प्यार के साथ आत्मविश्वास से भर रही थी। जैसे जैसे तूफान थम गया वैसे वैसे उनकी शुरुआती सजगता की कम होती गई। वे बारिश से धूली सड़क से निकल गए। उनके बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। डेविड ने आवेग में आकर डीलर का सुझाव दिया। उसके नियंत्रण में एक घबराहट भरी उम्मीद थी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने स्वीकार करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। एब्लिन ने पाया कि बीर की उसके सबसे बेपरवाह रूम से कैद किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक गोलम राजकुमारी की कैथरीन के टुकड़े पर जीवंत करते हुए एकाग्रता दिखाई दे रही थी। बदले में वीर ने उसकी तस्वीरों को तत्वों को शामिल करना शुरू कर दिया। शहर की चहल पहल भरी सड़कें शोरगुल के बीच एक अकेले महिला अपनी जटिल पेंडिंग में हालांकि उनके संबंध अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। एब्लिन के पति डेविड एक सफल व्यवसायी अगलान की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। उनकी शांत स्वीकृति के आदि वो उसकी आंखों में फीकी पड़ती चमक के समझ नहीं पा रहे थे। वीर भी अपराध बोध से जूझ रहा था। उसने अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को धोखा नहीं दिया था लेकिन एब्लिन के साथ उसे जो खुशी महसूस हुई वो अतीत के प्रति अपमान की तरह थी। एब्लिन के जन्मदिन के दिन मोड़ आया। डेविड उसके भीतर की उथल पुथल से बेखबर उसे हीर का हार भेंट कराता है। एक ऐसा इशारा जो ठंडा और
हो शोकला लगता है। बाद में बीर जो पहले थी तो हिचकिचाहत रहा था, जो उसने एक लघु पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेला पेड़ जिसकी शाखाएं मानसून की आखिरी जीवंत फूलों से लदी हुई थी, इसके नीचे उसके रूमी की एक पंक्ति लिखी थी, गलत एक और उसी करने के लिए विचारों की तरह उमदे खान थे, जो तुमसे वहाँ मिलेगा। एबलिन की आंखों में आंसू आ गए। एक संघर्षों की एक साझा रहस्य अनिश्चित के बीच कुछ सुंदरता करने का वादा, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं था। डेविड के साथ कच्ची ईमानदारी और उनकी पीड़ा से भरी बातचीत ने उनकी शब्दों को खत्म कर दिया था। फिर ने महसूस और भरी स्वीकारोक्ति और दिल में काफ़ी मांगने की बात आखिरकार खुद को आगे बढ़ने दिया। उनके नया जीवन हालांकि प्यार से भरा था, लेकिन एक बड़ी कथा नहीं थी। समाजोन करने थे, सामाजिक फुसफुसाहटों की अनदेखा करता था और अपनी लय सोचने के लिए निरंतर संघर्ष करता था, लेकिन उनके छायादार दुनिया में ले जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये सीरीज तबायफे बेशाओं के जीवन के खोज करती है, जो सिर्फ सिर्फ सेक्स वर्कर के कहीं ज्यादा है। वे कलाकार थी और अक्सर अपने समुदायों से काफ़ी ताकत रखती थी। संभालने इन जटिल महिलाओं को जीवंत करने के लिए मनीषा कोड़ाला, मनीषा सिन्हा और अदिति राव हैदरी सहित कई बेहतरीन कलाकारों को इकट्ठा किया है, जबकि पहले सीजन को अलौकिक से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की समीक्षाएं मिली। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद थी, जिनके कारण दूसरे सीजन के लिए तुरंत नवीनीकरण किया गया था। रामंडी द डायमंड बाजार कोई फिल्म नहीं है, बल्कि दूरदर्शी संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक आकर्षक ऐतिहासिक ड्रामा सीजन है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली यह सीरीज लाहौर के प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरामंडी की रहस्यमय तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। यह भव्य लेकिन जटिल दुनिया ब्रिटिश शासन की भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष के बीच सामने आती है। संभाली की खास शौली इस युग को जीवंत करती है, जिसने हीरा मंडी की भव्यता के साथ साथ उसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों को दिखाया गया है। हम जिस तवायफों से मिलते हैं, जो वे सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं, वे कलाकारों के और उसके समाज के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। मनीषा कुरैला, मीनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जैसे दमदार कलाकारों द्वारा निभाए गए ये किरदार एक आकर्षक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार, शक्ति और आज़ादी की लड़ाई की बारीक खोज वादा करते हैं। हालांकि पहले सीजन को मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई, लेकिन इसमें दर्शकों को आकर्षित किया उसने दूसरे सीजन के लिए शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षक दुनिया में और भी बहुत कुछ आने वाला है। हीरामंडी के कलाकारों में अनुभवी दिग्गज और उभरते सितारे शामिल है। मनीषा कुरैला उनकी स्वस्थापित अभिनेत्री इसने ग्रामीण है, इनका अतुलन और अनुभव निश्चित रूप से शाही महल की मुख्य वेश्या मल्लिका जहान की उनकी भूमिका के गंभीरता लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा दोहरी भूमिका की चुनौती लगती है, जिसमें वे रेहाना एक भूतपूर्व मुख्य वेश्या और उसकी बेटी फरदन दोनों के किरदार निभा रही है। यह सीरीज हमें प्रतिभा की अगली पीढ़ी से भी परिचित कराती है, जिसमें धर्मिल सहगल मल्लिका जान के सबसे छोटी और आलमबेज और उनकी रहस्यमय बहन फरीदा जहनजीत खेल के बीच रोशनी की देखते हुए एक जटिल पारिवारिक गतिशीलता सामने आएगी। कहानी में एक और परत जोड़ती है, जो रिसा चड्ढा और मल्लिका जान की पावर बेटी लज्जो का किरदार निभाया गया है। इसमें कहानी रहस्यमय है और उनके बेटा करती है। अंत में सुबूजा ने आलमबेज की प्रेमी तनाव जानबाज की जीवंत किया है तथा हीरामंडी की जटिलताओं के बीच एक संभावित रोमांच का निर्माण किया है। हीरामंडी द डायमंड बाजार ने पारिवारिक सिनेमा के रास्ते के दरकिनार कर दिया और मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है, हालांकि विशिष्ट दर्शक संख्या सभी को गुप्त है। रिपोर्ट्स बताती है कि अपने पहले सप्ताहांतर में 4.5 मिलियन यू के साथ इसने एक मजबूत शुरुआत की। हालांकि इस सीरीज के अगले हफ्तों में दर्शकों को संख्या में कहीं खास ताल नहीं मिला, लेकिन आलोचकों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सीमाएं मिलने के बावजूद इसने दूसरे सीजन में नवीकरण को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त लिमुकिया की हासिल किया। उसने बता चला है कि उसके सीरीज में आकर्षक कहानी प्रतिभाशाली कलाकारों के दर्शकों को आकर्षित किया। इसने ये सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षण दुनिया से और भी बहुत कुछ आने वाला है, एक ऐसा एहसास की जो कि चट्टान के किनारे एक डरावने ऐसा है। कभी मुंबई का जीवंत मानसून, जो आमतौर पर सुकून का स्रोत होता है, था उसे उसकी खिड़की पर लगातार ढोल की स्थाप की तरह महसूस हुआ, जो उसकी आत्मा में बेचैनी को दर्शाती है। उसकी सचिन साल की बाद उनके लिए एक तूफानी का सामना किया, लेकिन हाल ही में यह हरहरों से भरा हुआ महसूस हुआ। उनके बीच की खामोशी
बहरा कर देने वाली थी। शहर के उस पार चांदनी चौक की भुलभुलैया वाली गलियों के बीच भीड़ सहना था। एक समृद्ध लघु चित्रकार उसकी दुनिया जीवंत रंगों और दुनिया से फुसफुसाती कहानियों से भरी थी। कई सालों तक विदूर रहने के बाद उसे अपने फादर कुत्ते अवतार की शांत सीमाओं में सुकून मिला। मानसून उनके लिए एक प्रेरणा थी। उसकी नमी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कागज की एक निश्चित जीवन प्रदान करती थी। किस्मत एक सारथी कठपुतली से हस्तक्षेप करने फैसला किया। एक व्हील एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो शहर की आत्मा को कैद करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से भरी बारिश के दौरान वीर के छिपे हुए स्टूडियो में जा पहुंची। शहर की तलाश में वो अंदर चली गई। भीतर से निकलने वाली कोमल चमक से आकर्षित हुई। अंदर की हवा चंदन और नम कागज की खुशबू से भरी हुई थी। वीर जिसकी आंखों में हजारों कहानियों की बुद्धि थी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अबुलिन उनके चांदनी के बालों के एक मुस्कान के साथ जिसमें उदासी का संकेत था ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अप्रत्याशित नरमी फैल गई है। उनकी बातचीत महसूस के बारिश की तरह बह रही थी और सहज और बातचीत उन्होंने कला और हाथी के अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाने वाली शांत सुंदरता के बारे में बात की। फिर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और जिस तरह से उसके जुनून पर चर्चा करते समय उनकी आंखों में चमक उठती थी उसके मोहित हो गया। उसके खुद को और अधिक जानने के लिए इच्छुक पाया। एब्रिन उसकी कोमलता आत्मा और जिस तरह से उसके अनुभवी हाथों से नाजुक ब्रश को पकड़ता था उसने प्रभावित हुई। उसने एक ऐसा संबंध महसूस किया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद और इलारा उसके गंभीर सांस से लेता हुआ पाया है। उस रात को उसने एक संबंध हराना होता है। उन्होंने पेरिस के छिपे हुए कोनों के खींच की पटिल पावर की चौकन निगाहों के नीचे कहानियों का सपने साझा किया। इलारा ने खुद को उनके जुनून के और आकर्षित पाया जो उनके सपने मापा अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने सितारों के नीचे चचानक पिकनिक मनाने सूर्योदय को आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगाते देखने की प्रेम प्रति प्रेम की खोज की। ये सब इसलिए क्योंकि उसने उसे इस सरल क्षणों में सुंदरता दिखाई। हालांकि इलारा दिल से एक वैज्ञानिक बनी रही। उसने उनके बंधाओं का विश्लेषण किया जिस तरह से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था जब वो उसका हाथ पकड़ता। वो अतर्जित गर्मजोशी से जो उसके अंदर फैल जाती थी जब भी वो उसे देखता था। वो आकर्षित था उनकी उपस्थिति की ये जरूरत उनके स्पर्श की ये तरफ। एक शाम सड़क के बाजार की हलचल के बीच इंडियन अचानक रुक गया। उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर टिकी हुई थी। वो कुछ क्षण बाद बाजार बाहर आया। उसकी बाहों में नीचे लेंस फेयर्स डू माल की एक पुरानी प्रति थी। ओके के मोड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस आकर उसने अपनी समृद्ध परिटोन आवाज में बेडलियर की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। रोमांटिक पीड़ा से सजे शब्द उनकी अपनी अनकही शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने पहले दर्पण की तरह थे। प्यार पागलपन है उनके कहा। जब उसने बात खत्म की तो उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी। लेकिन कभी कभी ये एकमात्र पागलपन होता है जिसे पाने की कोई मतलब होता है। इलारा ने पाया कि वो उसके हाथ की ओर हम बढ़ रही है। उसके स्पर्श की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही है। शायद उसने स्वीकार किया कि उनकी आवाज़ में सांस लेने की आवाज नहीं थी। थोड़ा पागलपन ही चाहिए। उनका पहला चुम्बन बिजली थो जैसा था। एक चिंगारी जिसने उनके भीतर आग लगा दी। ये तर्क और भावना के टकराव था। एक तूफान जो उनके दिल के चारों ओर बनाए गए किले के भीतर डबल रहा था। फिर भी उसके बाहों में चांदी की चौकस निगाहों से नीचे ये अजीब तरह से परिपूर्ण महसूस हुआ। अपने रिश्ते को बढ़ती तीव्रता के बावजूद इलारा सतर्क रही। वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपकी रही। अपने भीतर इस नए आयाम की झमझाने की बताव कोशिश रही थी। उसकी रातें शोध से भरी हुई थी। प्यार की तंत्रिका विज्ञान इस मादक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्लीन। एक दोपहर इलारा को अपने शोध में झुका हुआ पाकर इंडियन ने धीरे से उनके हाथों से किताब ले ली। आओ थोड़ा जी ले उसके कहा। उसकी आंखों में एक शांति बिनती हुई पाई थी। चलो कहीं नहीं जगह चलते हैं। उस दिन मूसलधार बारिश में घर के अंदर फंसे हुए एक झिझक भरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने साहित्य के प्रति उनके जुनून के बारे में बात की। जिस तरह से ये उन्हें अलग अलग दुनिया में ले गया उन्हें जीवंत महसूस कराया। एलेनोर इस बात से हैरान की उनके मुंह से शब्द कितनी आसानी से बोल रहे थे। उसने जेन ऑस्टन की वृद्धि के लिए अपने प्यार को साझा किया। उसकी आवाज़ वो प्यार के साथ आत्मविश्वास से भर रही थी। जैसे जैसे तूफान थम गया वैसे वैसे उनकी शुरुआती सजगता की कम होती गई। वे बारिश से धुली सड़क से निकल गए। उनके बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। डेविड ने आवेग में आकर डीलर का सुझाव दिया। उसके नियंत्रण में एक घबराहट भरी उम्मीद थी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने स्वीकार करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। एब्लिन ने पाया कि वीर की उसके सबसे बेपरवाह रूम से कैद किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक
गोलम राजकुमारी की कैथरीन के टुकड़े पर जीवंत करते हुए एकाग्रता दिखाई दे रही थी। बदले में वीर ने उसकी तस्वीरों को तचों को शामिल करना शुरू कर दिया। शहर की चहलपहल भरी सड़कें शोरगुल के बीच एक अकेले महिला अपनी जटिल पेंडिंग में, हालांकि उनके संबंध अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। एवलिन के पति डेविड एक सफल व्यवसायी अगलान की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। उनकी शांत स्वीकृति के आदि वो उसकी आंखों में फीकी पड़ती चमक के समझ नहीं पा रहे थे। वीर भी अपराध बोध से जूझ रहा था। उसने अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को धोखा नहीं दिया था, लेकिन एवलिन के साथ उसे जो खुशी महसूस हुई वो अतीत के प्रति अपमान की तरह थी। एवलिन के जन्मदिन के दिन मोड़ आया। डेविड उसके भीतर की उथल पुथल से बेखबर उसे हीर का हार भेंट कराता है, एक ऐसा इशारा जो ठंडा और शोखला लगता है। बाद में वीर जो पहले थी तो हिचकिचाहत रहा था, जो उसने एक लघु पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेला पेड़ जिसकी शाखाएं मानसून की आखिरी जीवन फूलों से लदी हुई थी, इसके नीचे उसके रूमी की एक पंक्ति लिखी थी, गलत एक और उसी करने के लिए बेचारों की तरह उम्दे खान थे, जो तुमसे वहाँ मिलेगा। एवलिन की आंखों में आंसू आ गए। एक संघर्षों की एक साझा रहस्य अनिश्चित के बीच कुछ सुंदरता करने का वादा, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं था। डेविड के साथ कच्ची ईमानदारी और उनकी पीड़ा से भरी बातचीत ने उनकी शब्दों को खत्म कर दिया था। फिर ने महसूस और भरी स्वीकारोक्ति और दिल में काफ़ी मांगने की बात आखिरकार खुद को आगे बढ़ने दिया। उनके नया जीवन हालांकि प्यार से भरा था, लेकिन एक बड़ी कथा नहीं थी। समाजीवन करने थे, सामाजिक फुसफुसाहटों की अनदेखा करता था और अपनी लय सोचने के लिए निरंतर संघर्ष करता था, लेकिन उनके छायादार दुनिया में ले जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये सीरीज तबायफे बेशाओं के जीवन के खोज करती है, जो सिर्फ सिर्फ सेक्स वर्कर के कहीं ज़्यादा है। वे कलाकार थी और अक्सर अपने समुदायों से काफ़ी ताकत रखती थी। संभालने इन जटिल महिलाओं को जीवंत करने के लिए मनीषा कोराला, मनीषा सिन्हा और अदिति राव हैदरी सहित कई बेहतरीन कलाकारों को इकट्ठा किया है, जबकि पहले सीजन को अलौकिक से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की समीक्षाएं मिली। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद थी, जिनके कारण दूसरे सीजन के लिए तुरंत नवीनीकरण किया गया था। रामंडी द डायमंड बाजार कोई फिल्म नहीं है, बल्कि दूरदर्शी संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक आकर्षक ऐतिहासिक ड्रामा सीजन है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली यह सीरीज लाहौर के प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरामंडी की रहस्यमय तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। यह भव्य लेकिन जटिल दुनिया ब्रिटिश शासन की भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष के बीच सामने आती है। संभाली की खास शौली इस युग को जीवंत करती है, जिसने हीरा मंडी की भव्यता के साथ साथ उसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों को दिखाया गया है। हम जिस तवायफों से मिलते हैं, जो वे सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं, वे कलाकारों के और उसके समाज के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। मनीषा कुराला, मीनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जैसे दमदार कलाकारों द्वारा निभाए गए ये किरदार एक आकर्षक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार, शक्ति और आज़ादी की लड़ाई की बारीक खोज वादा करते हैं। हालांकि पहले सीजन को मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई, लेकिन इसमें दर्शकों को आकर्षित किया उसने दूसरे सीजन के लिए शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षक दुनिया में और भी बहुत कुछ आने वाला है। हीरामंडी के कलाकारों में अनुभवी दिग्गज और उभरते सितारे शामिल है। मनीषा कुराला उसी स्वस्थापित अभिनेत्री इसने ग्रामीण है, इनका अतुलन और अनुभव निश्चित रूप से शाही महल की मुख्य वेश्या मल्लिका जहान की उनकी भूमिका के गंभीरता लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा दोहरी भूमिका की चुनौती लगती है, जिसमें वे रेहाना एक भूतपूर्व मुख्य वेश्या और उसकी बेटी फरदन दोनों के किरदार निभा रही है। यह सीरीज हमें प्रतिभा की अगली पीढ़ी से भी परिचित कराती है, जिसमें धर्मील सहगल मल्लिका जान के सबसे छोटी और आलमबेज और उनकी रहस्यमय बहन फरीदा जहनजीत खेल के बीच रोशनी की देखते हुए एक जटिल पारिवारिक गतिशीलता सामने आएगी। कहानी में एक और परत जोड़ती है, जो रिशा चड्ढा और मल्लिका जान की पावर बेटी लज्जो का किरदार निभाया गया है। इसमें कहानी रहस्यमय है और उनके बेटा करती है। अंत में सुबूजा ने आलमबेज की प्रेमी तनाव जानबाज की जीवंत किया है तथा हीरामंडी की जटिलताओं के बीच एक संभावित रोमांच का निर्माण किया है। हीरामंडी द डायमंड बाजार ने पारिवारिक सिनेमा के रास्ते के दरकिनार कर दिया और मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है, हालांकि विशिष्ट दर्शक संख्या सभी को गुप्त है। रिपोर्ट्स बताती है कि अपने पहले सप्ताहांतर में 4.5 मिलियन यू के साथ इसने एक मजबूत शुरुआत की। हालांकि इस सीरीज के अगले हफ्तों में दर्शकों को संख्या में कहीं खास ताल नहीं मिला, लेकिन आलोचकों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सीमाएं मिलने के बावजूद इसने
दूसरे सीजन में नमिकिन को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त लिमुकिया की हासिल किया। उसने बता चला है कि उसके सीरीज में आकर्षक कहानी प्रतिभाशाली कलाकारों के दर्शकों को आकर्षित किया। इसने ये सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी के आकर्षण दुनिया से और भी बहुत कुछ आने वाला है, एक ऐसा एहसास की जो कि चट्टान के किनारे एक डरावने ऐसा है। कभी मुंबई का जीवंत मानसून जो आमतौर पर सुकून का स्रोत होता है था, उसे उसकी खिड़की पर लगातार ढोल की स्थाप की तरह महसूस हुआ जो उसकी आत्मा में बेचैनी को दर्शाती है। उसकी सचिन साल की बाद उनके लिए एक तूफानी का सामना किया, लेकिन हाल ही में यह हरहरों से भरा हुआ महसूस हुआ। उनके बीच की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। शहर के उस पार चांदनी चौक की भुलभुलैया वाली गलियों के बीच भीड़ सहना था। एक समृद्ध लघु चित्रकार, उसकी दुनिया जीवंत रंगों और दुनिया से फुसफुसाती कहानियों से भरी थी। कई सालों तक विदूर रहने के बाद उसे अपने फादर कुत्ते अवतार की शांत सीमाओं में सुकून मिला। मानसून उनके लिए एक प्रेरणा थी। उसकी नमी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कागज की एक निश्चित जीवन प्रदान करती थी। किस्मत एक सहायती कठपुतली ते हस्तक्षेप करने फैसला किया। एक व्हील एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो शहर की आत्मा को कैद करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से भरी बारिश के दौरान वीर के छिपे हुए स्टूडियो में जा पहुंची। शहर की तलाश में वो अंदर चली गई। भीतर से निकलने वाली कोमल चमक से आकर्षित हुई। अंदर की हवा चंदन और नम कागज की खुशबू से भरी हुई थी। वीर जिसकी आंखों में हजारों कहानियों की बुद्धि थी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अबुलिन उनके चांदनी के बालों के एक मुस्कान के साथ जिसमें उदासी का संकेत था ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अप्रत्याशित नरमी फैल गई है। उनकी बातचीत महसूस के बारिश की तरह बह रही थी और सहज और बातचीत उन्होंने कला और हाथी के अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाने वाली शांत सुंदरता के बारे में बात की। फिर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और जिस तरह से उसके जुनून पर चर्चा करते समय उनकी आंखों में चमक उठती थी, उसके मोहित हो गया। उसके खुद को और अधिक जानने के लिए इच्छुक पाया। एब्रिन उसकी कोमलता आत्मा और जिस तरह से उसके अनुभवी हाथों से नाजुक ब्रश को पकड़ता था उसने प्रभावित हुई। उसने एक ऐसा संबंध महसूस किया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद और इलारा उसके गंभीरता से लेता हुआ पाया है। उस रात को उसने एक संबंध हराना होता है। उन्होंने पेरिस के छिपे हुए कोनों के खींच की पटिल पावर की चौकन निगाहों के नीचे कहानियों का सपने साझा किया। इलारा ने खुद को उनके जुनून के और आकर्षित पाया जो उनके सपने मापा अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने सितारों के नीचे चचालक पिकनिक मनाने, सूर्योदयों को, आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगाते देखने की प्रेम प्रति प्रेम की खोज की। ये सब इसलिए क्योंकि उसने उसे इस सरल क्षणों में सुंदरता दिखाई। हालांकि इलारा दिल से एक वैज्ञानिक बनी रही, उसने उनके बंधाओं का विश्लेषण किया। जिस तरह से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था जब वो उसका हाथ पकड़ता, वो अतर्जित गर्मजोशी से जो उसके अंदर फैल जाती थी जब भी वो उसे देखता था, वो आकर्षित था उनकी उपस्थिति की, ये जरूरत उनके स्पर्श की ये तरफ। एक शाम सड़क के बाजार की हलचल के बीच इंडियन अचानक रुक गया। उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर टिकी हुई थी। वो कुछ क्षण बाद बाजार बाहर आया। उसकी बाहों में नीचे लेंस फेयर्स डू माल की एक पुरानी प्रति थी। ओके के मोड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस आकर उसने अपनी समृद्ध परिटोन आवाज में बेडलियर की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। रोमांटिक पीड़ा से सजे शब्द उनकी अपनी अनकही शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण की तरह थे। प्यार पागलपन है उनके कहा। जब उसने बात खत्म की तो उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी, लेकिन कभी कभी ये एकात्मात्र पागलपन होता है जिसे पाने की कोई मतलब होता है। इलारा ने पाया कि वो उसके हाथ की ओर हम बढ़ रही है। उसके स्पर्श की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सेहरन पैदा कर रही है। शायद उसने स्वीकार किया कि उनकी आवाज़ में सांस लेने की आवाज नहीं थी, थोड़ा पागलपन ही चाहिए। उनका पहला चुम्बन बिजली थो जैसा था, एक चिंगारी जिसने उनके भीतर आग लगा दी। ये तर्क और भावना के टकराव था, एक तूफान जो उनके दिल के चारों ओर बनाए गए किले के भीतर डबल रहा था। फिर भी उसके बाहों में चांदी की चौकस निगाहों से नीचे ये अजीब तरह से परिपूर्ण महसूस हुआ। अपने रिश्ते को बढ़ती तीव्रता के बावजूद इलारा सतर्क रही। वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपकी रही, अपने भीतर इस नए आयाम की झमझाने की बेताब कोशिश कर रही थी। उसकी रातें शोध से भरी हुई थी। प्यार की तंत्रिका विज्ञान इस मादक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्लीन। एक दोपहर इलारा को अपने शोध में झुका हुआ पाकर इंडियन ने धीरे से उनके हाथों से किताब ले ली। आओ थोड़ा जी ले, उसके कहा। उसकी आंखों में एक शांति बिनती हुई पाई थी। चलो कहीं नहीं,
जगह चलते हैं। उसी दिन मूसलाधार बारिश में घर के अंदर फंसे हुए एक झिझक भरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने साहित्य के प्रति उनके जुनून के बारे में बात की, जिस तरह से ये उन्हें अलग अलग दुनिया में ले गया, उन्हें जीवंत महसूस कराया। एलेनोर इस बात से हैरान कि उनके मुँह से शब्द कितनी आसानी से बोल रहे थे। उसने जेन ऑस्टन की वृद्धि के लिए अपने प्यार को साझा किया। उसकी आवाज़ वो प्यार के साथ आत्मविश्वास से भर रही थी। जैसे जैसे तूफान थम गया वैसे वैसे उनकी शुरुआती सजगता की कम होती गई। वे बारिश से धूली सड़क से निकल गए। उनके बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। डेविड ने आवेग में आकर डीलर का सुझाव दिया। उसके नियंत्रण में एक घबराहट भरी उम्मीद थी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने स्वीकार करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। एवलिन ने पाया कि बीर की उसके सबसे बेपरवाह रूम से कैद किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक गोलम राजकुमारी की कैथरीन के टुकड़े पर जीवंत करते हुए एकाग्रता दिखाई दे रही थी। बदले में वीर ने उसकी तस्वीरों को तचों को शामिल करना शुरू कर दिया। शहर की चहलपहल भरी सड़कें शोरगुल के बीच एक अकेले महिला अपनी जटिल पेंडिंग में, हालांकि उनके संबंध अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। एवलिन के पति डेविड एक सफल व्यवसायी अगलान की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। उनकी शांत स्वीकृति के आदि वो उसकी आंखों में फीकी पड़ती चमक के समझ नहीं पा रहे थे। वीर भी अपराध बोध से जूझ रहा था। उसने अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को धोखा नहीं दिया था, लेकिन एवलिन के साथ उसे जो खुशी महसूस हुई वो अतीत के प्रति अपमान की तरह थी। एवलिन के जन्मदिन के दिन मोड़ आया। डेविड उसके भीतर की उथल पुथल से बेखबर उसे हीर का हार भेंट कराता है, एक ऐसा इशारा जो ठंडा और शोखला लगता है। बाद में वीर जो पहले थी तो हिचकिचाहत रहा था, जो उसने एक लघु पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेला पेड़ जिसकी शाखाएं मानसून की आखिरी जीवन फूलों से लदी हुई थी। इसके नीचे उसके रूमी की एक पंक्ति लिखी थी, गलत एक और उसी करने के लिए विचारों की तरह उम्दे खान थे, जो तुमसे वहाँ मिलेगा। एवलिन की आंखों में आंसू आ गए। एक संघर्षों की एक साझा रहस्य अनिश्चित के बीच कुछ सुंदरता करने का वादा, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं था। डेविड के साथ कच्ची ईमानदारी और उनकी पीड़ा से भरी बातचीत ने उनकी शब्दों को खत्म कर दिया था। फिर ने महसूस और भरी स्वीकारोक्ति और दिल में काफ़ी मांगने की बात आखिरकार खुद को आगे बढ़ने दिया। उनके नया जीवन हालांकि प्यार से भरा था, लेकिन एक बड़ी कथा नहीं थी। समाजीवन करने थे, सामाजिक फुसफुसाहटों की अनदेखा करता था और अपनी लय सोचने के लिए निरंतर संघर्ष करता था, लेकिन उनके छायादार दुनिया में ले जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये सीरीज तबायफे बेशाओं के जीवन के खोज करती है, जो सिर्फ सिर्फ सेक्स वर्कर के कहीं ज़्यादा है। वे कलाकार थी और अक्सर अपने समुदायों से काफ़ी ताकत रखती थी। संभालने इन जटिल महिलाओं को जीवंत करने के लिए मनीषा कोराला, मनीषा सिन्हा और अदिति राव हैदरी सहित कई बेहतरीन कलाकारों को इकट्ठा किया है, जबकि पहले सीजन को अलौकिक से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की समीक्षाएं मिली। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद थी, जिनके कारण दूसरे सीजन के लिए तुरंत नवीनीकरण किया गया था। रामंडी द डायमंड बाजार कोई फिल्म नहीं है, बल्कि दूरदर्शी संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक आकर्षक ऐतिहासिक ड्रामा सीजन है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली यह सीरीज लाहौर के प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरामंडी की रहस्यमय तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। यह भव्य लेकिन जटिल दुनिया ब्रिटिश शासन की भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष के बीच सामने आती है। संभाली की खास शौली इस युग को जीवंत करती है, जिसने हीरा मंडी की भव्यता के साथ साथ उसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों को दिखाया गया है। हम जिस तवायफों से मिलते हैं, जो वे सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं, वे कलाकारों के और उसके समाज के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। मनीषा कुरैला, मीनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जैसे दमदार कलाकारों द्वारा निभाए गए ये किरदार एक आकर्षक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार, शक्ति और आज़ादी की लड़ाई की बारीक खोज वादा करते हैं। हालांकि पहले सीजन को मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई, लेकिन इसमें दर्शकों को आकर्षित किया। उसने दूसरे सीजन के लिए शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षक दुनिया में और भी बहुत कुछ आने वाला है। हीरामंडी के कलाकारों में अनुभवी दिग्गज और उभरते सितारे शामिल है। मनीषा कुरैला उसी स्थापित अभिनेत्री इसने ग्रामीण है, इनका अतुलन और अनुभव निश्चित रूप से शाही महल की मुख्य वेश्या मल्लिका जहान की उनकी भूमिका के गंभीरता लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा दोहरी भूमिका की चुनौती लगती है, जिसमें वे रेहाना एक भूतपूर्व मुख्य वेश्या और उसकी बेटी फरदन
दोनों के किरदार निभा रही है। यह सीरीज हमें प्रतिभा की अगली पीढ़ी से भी परिचित कराती है, जिसमें धर्मेंद्र सहगल मल्लिका जान की सबसे छोटी और आलमबेज और उनकी रहस्यमय बहन फरीदा जहांजीत खेल के बीच रोशनी की देखते हुए एक जटिल पारिवारिक गतिशीलता सामने आएगी। कहानी में एक और परत जोड़ती है जो रिशा चड्ढा और मल्लिका जान की पावर बेटी लज्जो का किरदार निभाया गया है। इसमें कहानी रहस्यमय है और उनके बेटा करती है। अंत में सुबूजा ने आलमबेज की प्रेमी तनाव जानबाज बलोच की जीवंत किया है तथा हीरा मंडी की जटिलताओं के बीच एक संभावित रोमांच का निर्माण किया है। हीरा मंडी द डायमंड बाजार ने पारिवारिक सिनेमा के रास्ते के दरकिनार कर दिया और मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है, हालांकि विशिष्ट दर्शक संख्या सभी को गुप्त है। रिपोर्ट्स बताती है कि अपने पहले सप्ताहांतर में 4.5 मिलियन यू के साथ इसने एक मजबूत शुरुआत की। हालांकि इस सीरीज के अगले हफ्तों में दर्शकों को संख्या में कहीं खास ताल नहीं मिला, लेकिन आलोचकों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सीमाएं मिलने के बावजूद इसने दूसरे सीजन में नवीकरण को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त लिमुखिया की हासिल किया। उसने बता चला है कि उसके सीरीज में आकर्षक कहानी प्रतिभाशाली कलाकारों के दर्शकों को आकर्षित किया। इसने ये सुनिश्चित हुआ कि हीरा मंडी की आकर्षण दुनिया से और भी बहुत कुछ आने वाला है, एक ऐसा एहसास की जो कि चट्टान के किनारे एक डरावने ऐसा है। कभी मुंबई का जीवंत मानसून जो आमतौर पर सुकून का स्रोत होता है था, उसे उसकी खिड़की पर लगातार ढोल की स्थाप की तरह महसूस हुआ जो उसकी आत्मा में बेचैनी को दर्शाती है। उसकी सचिन साल की बाद उनके लिए एक तूफानी का सामना किया, लेकिन हाल ही में यह हरहरों से भरा हुआ महसूस हुआ। उनके बीच की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। शहर के उस पार चांदनी चौक की भुलभुलैया वाली गलियों के बीच भीड़ सहना था। एक समृद्ध लघु चित्रकार उसकी दुनिया जीवंत रंगों और दुनिया से फुसफुसाती कहानियों से भरी थी। कई सालों तक विदूर रहने के बाद उसे अपने फादर कुत्ते अवतार की शांत सीमाओं में सुकून मिला। मानसून उनके लिए एक प्रेरणा थी, उसकी नमी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कागज की एक निश्चित जीवन प्रदान करती थी। किस्मत एक सारथी कठपुतली से हस्तक्षेप करने फैसला किया। एक्विल एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो शहर की आत्मा को कैद करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से भरी बारिश के दौरान वीर के छिपे हुए स्टूडियो में जा पहुंची। शहर की तलाश में वो अंदर चली गई, भीतर से निकलने वाली कोमल चमक से आकर्षित हुई। अंदर की हवा चंदन और नम कागज की खुशबू से भरी हुई थी। वीर जिसकी आंखों में हजारों कहानियों की बुद्धि थी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अबुलिन उनके चांदनी के बालों के एक मुस्कान के साथ जिसमें उदासी का संकेत था ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अप्रत्याशित नरमी फैल गई है। उनकी बातचीत महसूस के बारिश की तरह बह रही थी और सहज और बातचीत उन्होंने कला और हाथी के अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाने वाली शांत सुंदरता के बारे में बात की। फिर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और जिस तरह से उसके जुनून पर चर्चा करते समय उनकी आंखों में चमक उठती थी, उसके मोहित हो गया, उसके खुद को और अधिक जानने के लिए इच्छुक पाया। एब्रिन उसकी कोमलता आत्मा और जिस तरह से उसके अनुभवी हाथों से नाजुक ब्रश को पकड़ता था उसने प्रभावित हुई। उसने एक ऐसा संबंध महसूस किया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद और इलारा उसके गंभीर सांस से लेता हुआ पाया है। उस रात को उसने एक संबंध हराना होता है। उन्होंने पेरिस के छिपे हुए कोनों के खींच की पटिल पावर की चौकन निगाहों के नीचे कहानियों का सपने साझा किया। इलारा ने खुद को उनके जुनून के और आकर्षित पाया जो उनके सपने मापा अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने सितारों के नीचे चचालक पिकनिक मनाने सूर्योदय को आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगाते देखने की प्रेम प्रति प्रेम की खोज की। ये सब इसलिए क्योंकि उसने उसे इस सरल क्षणों में सुंदरता दिखाई। हालांकि इलारा दिल से एक वैज्ञानिक बनी रही, उसने उनके बंधाओं का विश्लेषण किया। जिस तरह से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था जब वो उसका हाथ पकड़ता, वो अतर्जित गर्मजोशी से जो उसके अंदर फैल जाती थी जब भी वो उसे देखता था, वो आकर्षित था उनकी उपस्थिति की, ये जरूरत उनके स्पर्श की ये तरफ। एक शाम सड़क के बाजार की हलचल के बीच इंडियन अचानक रुक गया। उसकी नजर एक पुराने किताबों की दुकान पर टिकी हुई थी। वो कुछ क्षण बाद बाजार बाहर आया। उसकी बाहों में नीचे लेंस फेयर्स डू माल की एक पुरानी प्रति थी। ओके के मोड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस आकर उसने अपनी समृद्ध परिटोन आवाज में बेडलियर की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। रोमांटिक पीड़ा से सजे शब्द उनकी अपनी अनकही शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण की तरह थे। प्यार पागलपन है उनके कहा। जब उसने बात खत्म की तो उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी, लेकिन कभी कभी ये एकमात्र पागलपन होता है जिसे पाने की कोई मतलब होता है। इलारा ने पाया कि वो उसके हाथ की ओर हम बढ़ रही है, उसके स्पर्श की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सेहरन पैदा कर रही है। शायद उसने स्वीकार किया कि उनकी आवाज में सांस लेने
देने की आवाज नहीं थी, थोड़ा पागलपन ही चाहिए। उनका पहला चुम्बन बिजली थो जैसा था, एक चिंगारी जिसने उनके भीतर आग लगा दी। ये तर्क और भावना के टकराव था, एक तूफान जो उनके दिल के चारों ओर बनाए गए किले के भीतर डबल रहा था। फिर भी उसके बाहों में चांदी की चौकस निगाहों से नीचे ये अजीब तरह से परिपूर्ण महसूस हुआ। अपने रिश्ते को बढ़ती तीव्रता के बावजूद इलारा सतर्क रही, वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपकी रही, अपने भीतर इस नए आयाम की झमझाने की बताव कोशिश कर रही थी। उसकी रातें शोध से भरी हुई थी। प्यार की तंत्रिका विज्ञान इस मादक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में कतलीन। एक दोपहर इलारा को अपने शोध में झुका हुआ पाकर इंडियन ने धीरे से उनके हाथों से किताब ले ली। आओ थोड़ा जी ले, उसके कहा उसकी आंखों में एक शांति बिनती हुई पाई थी। चलो कहीं नहीं, जगह चलते हैं। उस दिन मूसलाधार बारिश में घर के अंदर फंसे हुए एक झिझक भरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने साहित्य के प्रति उनके जुनून के बारे में बात की, जिस तरह से ये उन्हें अलग अलग दुनिया में ले गया, उन्हें जीवंत महसूस कराया। एलेनोर इस बात से हैरान कि उनके मुंह से शब्द कितनी आसानी से बोल रहे थे। उसने जेन ऑस्टन की वृद्धि के लिए अपने प्यार को साझा किया। उसकी आवाज़ वो प्यार के साथ आत्मविश्वास से भर रही थी। जैसे जैसे तूफान थम गया वैसे वैसे उनकी शुरुआती सजगता की कम होती गई। वे बारिश से धूली सड़क से निकल गए। उनके बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। डेविड ने आवेग में आकर डीलर का सुझाव दिया। उसके नियंत्रण में एक घबराहट भरी उम्मीद थी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने स्वीकार करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। एवलिन ने पाया कि वीर की उसके सबसे बेपरवाह रूम से कैद किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक गोलम राजकुमारी की कैथरीन के टुकड़े पर जीवंत करते हुए एकाग्रता दिखाई दे रही थी। बदले में वीर ने उसकी तस्वीरों को तचों को शामिल करना शुरू कर दिया। शहर की चहलपहल भरी सड़कें शोरगुल के बीच एक अकेले महिला अपनी जटिल पेंडिंग में, हालांकि उनके संबंध अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। एवलिन के पति डेविड एक सफल व्यवसायी अगलान की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। उनकी शांत स्वीकृति के आदि वो उसकी आंखों में फीकी पड़ती चमक के समझ नहीं पा रहे थे। वीर भी अपराध बोध से जूझ रहा था। उसने अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को धोखा नहीं दिया था, लेकिन एवलिन के साथ उसे जो खुशी महसूस हुई वो अतीत के प्रति अपमान की तरह थी। एवलिन के जन्मदिन के दिन मोड़ आया। डेविड उसके भीतर की उथल पुथल से बेखबर उसे हीर का हार भेंट कराता है, एक ऐसा इशारा जो ठंडा और शोकला लगता है। बाद में वीर जो पहले थी तो हिचकिचाहत रहा था, जो उसने एक लघु पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेला पेड़ जिसकी शाखाएं मानसून की आखिरी जीवन फूलों से लदी हुई थी, इसके नीचे उसके रूमी की एक पंक्ति लिखी थी, गलत एक और उसी करने के लिए विचारों की तरह उम्दे खान थे, जो तुमसे वहाँ मिलेगा। एवलिन की आंखों में आंसू आ गए। एक संघर्षों की एक साझा रहस्य अनिश्चित के बीच कुछ सुंदरता करने का वादा, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं था। डेविड के साथ कच्ची ईमानदारी और उनकी पीड़ा से भरी बातचीत ने उनकी शब्दों को खत्म कर दिया था। फिर ने महसूस और भरी स्वीकारोक्ति और दिल में काफ़ी मांगने की बात आखिरकार खुद को आगे बढ़ने दिया। उनके नया जीवन हालांकि प्यार से भरा था, लेकिन एक बड़ी कथा नहीं थी। समाजीवन करने थे, सामाजिक फुसफुसाहटों की अनदेखा करता था और अपनी लय सोचने के लिए निरंतर संघर्ष करता था, लेकिन उनके छायादार दुनिया में ले जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये सीरीज तबायफे वेश्याओं के जीवन के खोज करती है, जो सिर्फ सेक्स वर्कर के कहीं ज्यादा है। वे कलाकार थी और अक्सर अपने समुदायों से काफ़ी ताकत रखती थी। संभालने इन जटिल महिलाओं को जीवंत करने के लिए मनीषा कोराला, मनीषा सिन्हा और अदिति राव हैदरी सहित कई बेहतरीन कलाकारों को इकट्ठा किया है, जबकि पहले सीजन को अलौकिक से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की समीक्षाएं मिली। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद थी, जिनके कारण दूसरे सीजन के लिए तुरंत नवीनीकरण किया गया था। हीरामंडी द डायमंड बाजार कोई फिल्म नहीं है, बल्कि दूरदर्शी संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक आकर्षक ऐतिहासिक ड्रामा सीजन है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली यह सीरीज लाहौर के प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरामंडी की रहस्यमय तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। यह भव्य लेकिन जटिल दुनिया ब्रिटिश शासन की भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष के बीच सामने आती है। संभाली की खास शौली इस युग को जीवंत करती है, जिसने हीरा मंडी की भव्यता के साथ साथ उसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों को दिखाया गया है। हम जिस तवायफों से मिलते हैं जो वे सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं, वे कलाकारों के और उसके समाज के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। मनीषा कुरैला, मीनाक्षी सिन्हा और
आदित्य राव हैदरी जैसे दमदार कलाकारों द्वारा निभाया गया ये किरदार एक आकर्षक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार, शक्ति और आज़ादी की लड़ाई की बारीक खोज वादा करते हैं। हालांकि पहले सीजन को मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई, लेकिन इसमें दर्शकों को आकर्षित किया उसने दूसरे सीजन के लिए शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ, जिसमें ये सुनिश्चित हुआ कि हीरा मंडी की आकर्षक दुनिया में और भी बहुत कुछ आने वाला है। हीरा मंडी की कलाकारों में अनुभवी दिग्गज और उभरते सितारे शामिल है। मनीषा कुराला उनकी स्वस्थापित अभिनेत्री जिसने ग्रामीण है, इनका अतुलन और अनुभव निश्चित रूप से शाही महल की मुख्य वेश्या मल्लिका जहान की उनकी भूमिका के गंभीरता लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा दोहरी भूमिका की चुनौती लगती है, जिसमें वे रेहाना एक भूतपूर्व मुख्य वेश्या और उसकी बेटी फरदन दोनों के किरदार निभा रही है। यह सीरीज हमें प्रतिभा की अगली पीढ़ी से भी परिचित कराती है, जिसमें धर्मेंद्र सहगल मल्लिका जान की सबसे छोटी और आलमबेज और उनकी रहस्यमय बहन फरीदा जहनजीत खेल के बीच रोशनी की देखते हुए एक जटिल पारिवारिक गतिशीलता सामने आएगी। कहानी में एक और परत जोड़ती है जो रिसा चड्ढा और मल्लिका जान की पावर बेटी लज्जो का किरदार निभाया गया है। इसमें कहानी रहस्यमय है और उनके बेटा करती है। अंत में सुबोजा ने आलमबेज की प्रेमी तनाव जानबाज की जीवंत किया है तथा हीरा मंडी की जटिलताओं के बीच एक संभावित रोमांच का निर्माण किया है। हीरा मंडी द डायमंड बाजार ने पारिवारिक सिनेमा के रास्ते के दरकिनार कर दिया और मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है। हालांकि विशिष्ट दर्शक संख्या सभी को गुप्त है। रिपोर्ट्स बताती है कि अपने पहले सप्ताहांतर में 4.5 मिलियन यू के साथ इसने एक मजबूत शुरुआत की। हालांकि इस सीरीज के अगले हफ्तों में दर्शकों को संख्या में कहीं खास ताल नहीं मिला, लेकिन आलोचकों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सीमाएं मिलने के बावजूद इसने दूसरे सीजन में नवीकरण को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त लिमुखिया की हासिल किया। उसने बता चला है कि उसके सीरीज में आकर्षक कहानी प्रतिभाशाली कलाकारों के दर्शकों को आकर्षित किया। इसने ये सुनिश्चित हुआ कि हीरा मंडी की आकर्षण दुनिया से और भी बहुत कुछ आने वाला है। एक ऐसा एहसास की जो कि चट्टान के किनारे एक डरावने ऐसा है। कभी मुंबई का जीवंत मानसून जो आमतौर पर सुकून का स्रोत होता है था, उसे उसकी खिड़की पर लगातार ढोल की स्थाप की तरह महसूस हुआ, जो उसकी आत्मा में बेचैनी को दर्शाती है। उसकी सचिन साल की बाद उनके लिए एक तूफानी का सामना किया, लेकिन हाल ही में यह हरहरों से भरा हुआ महसूस हुआ। उनके बीच की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। शहर के उस पार चांदनी चौक की भुलभुलैया वाली गलियों के बीच भीड़ सहना था। एक समृद्ध लघु चित्रकार उसकी दुनिया जीवंत रंगों और दुनिया से फुसफुसाती कहानियों से भरी थी। कई सालों तक विदूर रहने के बाद उसे अपने फादर कुत्ते अवतार की शांत सीमाओं में सुकून मिला। मानसून उनके लिए एक प्रेरणा थी। उसकी नमी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कागज की एक निश्चित जीवन प्रदान करती थी। किस्मत एक सारथी कठपुतली से हस्तक्षेप करने फैसला किया। एक्विल एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो शहर की आत्मा को कैद करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से भरी बारिश के दौरान वीर के छिपे हुए स्टूडियो में जा पहुंची। शहर की तलाश में वो अंदर चली गई। भीतर से निकलने वाली कोमल चमक से आकर्षित हुई। अंदर की हवा चंदन और नम कागज की खुशबू से भरी हुई थी। वीर जिसकी आंखों में हजारों कहानियों की बुद्धि थी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अबुलिन उनके चांदनी के बालों के एक मुस्कान के साथ जिसमें उदासी का संकेत था ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अप्रत्याशित नरमी फैल गई है। उनकी बातचीत महसूस के बारिश की तरह बह रही थी और सहज और बातचीत उन्होंने कला और हाथी के अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाने वाली शांत सुंदरता के बारे में बात की। फिर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और जिस तरह से उसके जुनून पर चर्चा करते समय उनकी आंखों में चमक उठती थी उसके मोहित हो गया। उसके खुद को और अधिक जानने के लिए इच्छुक पाया। एब्रिन उसकी कोमलता आत्मा और जिस तरह से उसके अनुभवी हाथों से नाजुक ब्रश को पकड़ता था उसने प्रभावित हुई। उसने एक ऐसा संबंध महसूस किया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद और इलारा उसके गंभीरता से लेता हुआ पाया है। उस रात को उसने एक संबंध हराना होता है। उन्होंने पेरिस के छिपे हुए कोनों के खींच की पटिल पावर की चौकन निगाहों के नीचे कहानियों का सपने साझा किया। इलारा ने खुद को उनके जुनून के और आकर्षित पाया जो उनके सपने मापा अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने सितारों के नीचे चचालक पिकनिक मनाने सूर्योदयों को आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगाते देखने की प्रति प्रेम की खोज की। ये सब इसलिए क्योंकि उसने उसे इस सरल क्षणों में सुंदरता दिखाई।
हालांकि इलाड़ा दिल से एक वैज्ञानिक बनी रही। उसने उनके बंधाओं का विश्लेषण किया, जिस तरह से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था जब वो उसका हाथ पकड़ता, वो अतर्जित गर्मजोशी से जो उसके अंदर फैल जाती थी जब भी वो उसे देखता था, वो आकर्षित था उनकी उपस्थिति की ये जरूरत, उनके स्पर्श की ये तरफ। एक शाम सड़क के बाजार की हलचल के बीच इंडियन अचानक रुक गया। उसकी नजर एक पुराने किताबों की दुकान पर टिकी हुई थी। वो कुछ क्षण बाद बाजार बाहर आया। उसकी बाहों में नीचे लेंस फेयर्स डू माल की एक पुरानी प्रति थी। ओके के मोड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस आकर उसने अपनी समृद्ध परिटोन आवाज में बेडलियर की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। रोमांटिक पीड़ा से सजे शब्द उनकी अपनी अनकही शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण की तरह थे। प्यार पागलपन है उनके कहा। जब उसने बात खत्म की तो उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी, लेकिन कभी कभी ये एकमात्र पागलपन होता है जिसे पाने की कोई मतलब होता है। इलाड़ा ने पाया कि वो उसके हाथ की ओर हम बढ़ रही है, उसके स्पर्श की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सहरन पैदा कर रही है। शायद उसने स्वीकार किया कि उनकी आवाज़ में सांस लेने की आवाज नहीं थी, थोड़ा पागलपन ही चाहिए। उनका पहला चुम्बन बिजली थो जैसा था, एक चिंगारी जिसने उनके भीतर आग लगा दी। ये तर्क और भावना के टकराव था, एक तूफान जो उनके दिल के चारों ओर बनाए गए किले के भीतर डबल रहा था। फिर भी उसके बाहों में चांदी की चौकस निगाहों से नीचे ये अजीब तरह से परिपूर्ण महसूस हुआ। अपने रिश्ते को बढ़ती तीव्रता के बावजूद इलाड़ा सतर्क रही। वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपकी रही, अपने भीतर इस नए आयाम की झमझाने की बताव कोशिश कर रही थी। उसकी रातें शोध से भरी हुई थी। प्यार की तंत्रिका विज्ञान इस मादक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्लीन। एक दोपहर इलाड़ा को अपने शोध में झुका हुआ पाकर इंडियन ने धीरे से उनके हाथों से किताब ले ली। आओ थोड़ा जी ले, उसके कहा। उसकी आंखों में एक शांति बिनती हुई पाई थी। चलो कहीं नहीं, जगह चलते हैं। उस दिन मूसलधार बारिश में घर के अंदर फंसे हुए एक झिझक भरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने साहित्य के प्रति उनके जुनून के बारे में बात की, जिस तरह से ये उन्हें अलग अलग दुनिया में ले गया, उन्हें जीवंत महसूस कराया। एलेनोर इस बात से हैरान कि उनके मुंह से शब्द कितनी आसानी से बोल रहे थे। उसने जेन ऑस्टन की वृद्धि के लिए अपने प्यार को साझा किया। उसकी आवाज़ वो प्यार के साथ आत्मविश्वास से भर रही थी। जैसे जैसे तूफान थम गया वैसे वैसे उनकी शुरुआती सजगता की कम होती गई। वे बारिश से धूली सड़क से निकल गए। उनके बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। डेविड ने आवेग में आकर डीलर का सुझाव दिया। उसके नियंत्रण में एक घबराहट भरी उम्मीद थी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने स्वीकार करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। एवलिन ने पाया कि वीर की उसके सबसे बेपरवाह रूम से कैद किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक गोलम राजकुमारी की कैथरीन के टुकड़े पर जीवंत करते हुए एकाग्रता दिखाई दे रही थी। बदले में वीर ने उसकी तस्वीरों को तत्वों को शामिल करना शुरू कर दिया। शहर की चहल पहल भरी सड़कें शोरगुल के बीच एक अकेले महिला अपनी जटिल पेंडिंग में, हालांकि उनके संबंध अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। एवलिन के पति डेविड एक सफल व्यवसायी अगलान की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। उनकी शांत स्वीकृति के आदि वो उसकी आंखों में फीकी पड़ती चमक के समझ नहीं पा रहे थे। वीर भी अपराध बोध से जूझ रहा था। उसने अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को धोखा नहीं दिया था, लेकिन एवलिन के साथ उसे जो खुशी महसूस हुई वो अतीत के प्रति अपमान की तरह थी। एवलिन के जन्मदिन के दिन मोड़ आया। डेविड उसके भीतर के उथल पुथल से बेखबर उसे हीर का हार भेंट कराता है, एक ऐसा इशारा जो ठंडा और शोकला लगता है। बाद में वीर जो पहले थी तो हिचकिचाहत रहा था, जो उसने एक लघु पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेला पेड़ जिसकी शाखाएं मानसून की आखिरी जीवन फूलों से लदी हुई थी, इसके नीचे उसके रूमी की एक पंक्ति लिखी थी, गलत एक और उसी करने के लिए विचारों की तरह उमदे खान थे जो तुमसे वहाँ मिलेगा। एवलिन की आंखों में आंसू आ गए। एक संघर्षों की एक साझा रहस्य अनिश्चित के बीच कुछ सुंदरता करने का वादा, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं था। डेविड के साथ कच्ची ईमानदारी और उनकी पीड़ा से भरी बातचीत ने उनकी शब्दों को खत्म कर दिया था। फिर ने महसूस और भरी स्वीकारोक्ति और दिल में काफ़ी मांगने की बात आखिरकार खुद को आगे बढ़ने दिया। उनके नया जीवन हालांकि प्यार से भरा था लेकिन एक बड़ी कथा नहीं थी। समाजोन करने थे सामाजिक फुसफुसाहटों की अनदेखा करता था और अपनी लय सोचने के लिए निरंतर संघर्ष करता था, लेकिन उनके छायादार दुनिया में ले जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये सीरीज तबायफ
बेशाओ के जीवन की खोज करती है जो सिर्फ सिर्फ सेक्स वर्कर के कहीं ज्यादा है। वे कलाकार थी और अक्सर अपने समुदायों से काफी ताकत रखती थी। संभालने इन जटिल महिलाओं को जीवंत करने के लिए मनीषा कोराला, मनीषा सिन्हा और अदिति राव हैदरी सहित कई बेहतरीन कलाकारों को इकट्ठा किया है, जबकि पहले सीजन को अलौकिक से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की समीक्षाएं मिली। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद थी, जिनके कारण दूसरे सीजन के लिए तुरंत नवीनीकरण किया गया था। हीरामंडी द डायमंड बाजार कोई फिल्म नहीं है, बल्कि दूरदर्शी संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक आकर्षक ऐतिहासिक ड्रामा सीजन है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली यह सीरीज लाहौर के प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरामंडी की रहस्यमय तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। यह भव्य लेकिन जटिल दुनिया ब्रिटिश शासन की भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष के बीच सामने आती है। संभाली की खास शौली इस युग को जीवंत करती है, जिसने हीरा मंडी की भव्यता के साथ साथ उसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों को दिखाया गया है। हम जिस तवायफों से मिलते हैं जो वे सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं, वे कलाकारों के और उसके समाज के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। मनीषा कुरैला, मीनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जैसे दमदार कलाकारों द्वारा निभाया गया ये किरदार एक आकर्षक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार, शक्ति और आज़ादी की लड़ाई की बारीक खोज वादा करते हैं। हालांकि पहले सीजन को मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई, लेकिन इसमें दर्शकों को आकर्षित किया उसने दूसरे सीजन के लिए शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षक दुनिया में और भी बहुत कुछ आने वाला है। हीरामंडी की कलाकारों में अनुभवी दिग्गज और उभरते सितारे शामिल है। मनीषा कुरैला उनकी स्वस्थापित अभिनेत्री इसने ग्रामीण है, इनका अतुलन और अनुभव निश्चित रूप से शाही महल की मुख्य वेश्या मल्लिका जहान की उनकी भूमिका के गंभीरता लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा दोहरी भूमिका की चुनौती लगती है, जिसमें वे रेहाना एक भूतपूर्व मुख्य वेश्या और उसकी बेटी फरदन दोनों के किरदार निभा रही है। यह सीरीज हमें प्रतिभा की अगली पीढ़ी से भी परिचित कराती है, जिसमें धर्मील सहगल मल्लिका जान की सबसे छोटी और आलमबेज और उनकी रहस्यमय बहन फरीदा जहनजीत खेल के बीच रोशनी की देखते हुए एक जटिल पारिवारिक गतिशीलता सामने आएगी। कहानी में एक और परत जोड़ती है जो रिसा चड्डा और मल्लिका जान की पावर बेटी लज्जो का किरदार निभाया गया है। इसमें कहानी रहस्यमय है और उनके बेटा करती है। अंत में सुबूजा ने आलमबेज की प्रेमी तनाव जानबाज की जीवंत किया है तथा हीरामंडी की जटिलताओं के बीच एक संभावित रोमांच का निर्माण किया है। हीरामंडी द डायमंड बाजार ने पारिवारिक सिनेमा के रास्ते के दरकिनार कर दिया और मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है, हालांकि विशिष्ट दर्शक संख्या सभी को गुप्त है। रिपोर्ट्स बताती है कि अपने पहले सप्ताहांतर में 4.5 मिलियन यू के साथ इसने एक मजबूत शुरुआत की। हालांकि इस सीरीज के अगले हफ्तों में दर्शकों को संख्या में कहीं खास ताल नहीं मिला, लेकिन आलोचकों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सीमाएं मिलने के बावजूद इसने दूसरे सीजन में नवीकरण को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त लिमुकिया की हासिल किया। उसने बता चला है कि उसके सीरीज में आकर्षक कहानी प्रतिभाशाली कलाकारों के दर्शकों को आकर्षित किया। इसने ये सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षण दुनिया से और भी बहुत कुछ आने वाला है, एक ऐसा एहसास की जो कि चट्टान के किनारे एक डरावने ऐसा है। कभी मुंबई का जीवंत मानसून जो आमतौर पर सुकून का स्रोत होता है था, उसे उसकी खिड़की पर लगातार ढोल की स्थाप की तरह महसूस हुआ जो उसकी आत्मा में बेचैनी को दर्शाती है। उसकी सचिन साल के बाद उनके लिए एक तूफानी का सामना किया, लेकिन हाल ही में यह हरहरों से भरा हुआ महसूस हुआ। उनके बीच की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। शहर के उस पार चांदनी चौक की भुलभुलैया वाली गलियों के बीच भीड़ सहना था। एक समृद्ध लघु चित्रकार उसकी दुनिया जीवंत रंगों और दुनिया से फुसफुसाती कहानियों से भरी थी। कई सालों तक विदूर रहने के बाद उसे अपने फादर कुत्ते अवतार की शांत सीमाओं में सुकून मिला। मानसून उनके लिए एक प्रेरणा थी, उसकी नमी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कागज की एक निश्चित जीवन प्रदान करती थी। किस्मत एक सारथी कठपुतली से हस्तक्षेप करने फैसला किया। एकविल एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो शहर की आत्मा को कैद करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से भरी बारिश के दौरान वीर के छिपे हुए स्टूडियो में जा पहुंची। शहर की तलाश में वो अंदर चली गई, भीतर से निकलने वाली कोमल चमक से आकर्षित हुई। अंदर की हवा चंदन और नम कागज की खुशबू से भरी हुई थी। वीर जिसकी आंखों में हजारों कहानियों की बुद्धि थी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अबुलिन उनके चांदनी के बालों के एक मुस्कान के साथ
जिसमें उदासी का संकेत था ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अप्रत्याशित नरमी फैल गई है। उनकी बातचीत महसूस के बारिश की तरह बह रही थी और सहज और बातचीत उन्होंने कला और हाथी के अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाने वाली शांत सुंदरता के बारे में बात की। फिर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और जिस तरह से उसके जुनून पर चर्चा करते समय उनकी आंखों में चमक उठती थी उसके मोहित हो गया। उसके खुद को और अधिक जानने के लिए इच्छुक पाया। एब्रिन उसकी कोमलता आत्मा और जिस तरह से उसके अनुभवी हाथों से नाजुक ब्रश को पकड़ता था उसने प्रभावित हुई। उसने एक ऐसा संबंध महसूस किया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद और इलारा उसके गंभीर सांस लेता हुआ पाया है। उस रात को उसने एक संबंध हराना होता आया। उन्होंने पेरिस के छिपे हुए कोनों के खींच की पटिल पावर की चौकन निगाहों के नीचे कहानियों का सपने साझा किया। इलारा ने खुद को उनके जुनून के और आकर्षित पाया जो उनके सपने मापा अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने सितारों के नीचे चचालक पिकनिक मनाने सूर्योदयों को आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगाते देखने की प्रेम प्रति प्रेम की खोज की। ये सब इसलिए क्योंकि उसने उसे इस सरल क्षणों में सुंदरता दिखाई। हालांकि इलारा दिल से एक वैज्ञानिक बनी रही उसने उनके बंधाओं का विश्लेषण किया। जिस तरह से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था जब वो उसका हाथ पकड़ता वो अतर्जित गर्मजोशी से जो उसके अंदर फैल जाती थी जब भी वो उसे देखता था वो आकर्षित था। उनकी उपस्थिति की ये जरूरत उनके स्पर्श की ये तरफ। एक शाम सड़क के बाजार की हलचल के बीच इंडियन अचानक रुक गया। उसकी नज़र एक पुरानी किताबों की दुकान पर टिकी हुई थी। वो कुछ क्षण बाद बाजार बाहर आया। उसकी बाहों में नीचे लेंस फेयर्स डू माल की एक पुरानी प्रति थी। ओके के मोड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस आकर उसने अपनी समृद्ध परिटोन आवाज में बेडलियर की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। रोमांटिक पीड़ा से सजे शब्द उनकी अपनी अनकही शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने पल दर्पण की तरह थे। प्यार पागलपन है उनके कहा। जब उसने बात खत्म की तो उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी। लेकिन कभी कभी ये एकमात्र पागलपन होता है जिसे पाने की कोई मतलब होता है। इलारा ने पाया कि वो उसके हाथ की ओर हम बढ़ रही है। उसके स्पर्श की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सेहरन पैदा कर रही है। शायद उसने स्वीकार किया कि उनकी आवाज़ में सांस लेने की आवाज नहीं थी। थोड़ा पागलपन ही चाहिए। उनका पहला चुम्बन बिजली थो जैसा था एक चिंगारी जिसने उनके भीतर आग लगा दी। ये तर्क और भावना के टकराव था एक तूफान जो उनके दिल के चारों ओर बनाए गए किले के भीतर डबल रहा था। फिर भी उसके बाहों में चांदी की चौकस निगाहों से नीचे ये अजीब तरह से परिपूर्ण महसूस हुआ। अपने रिश्ते को बढ़ती तीव्रता के बावजूद इलारा सतर्क रही। वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपकी रही अपने भीतर इस नए आयाम की झमझाने की बताव कोशिश कर रही थी। उसकी रातें शोध से भरी हुई थी। प्यार की तंत्रिका विज्ञान इस मादक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्लीन। एक दोपहर इलारा को अपने शोध में झुका हुआ पाकर इंडियन ने धीरे से उनके हाथों से किताब ले ली। आओ थोड़ा जी ले उसके कहा। उसकी आंखों में एक शांति बिनती हुई पाई थी। चलो कहीं नहीं जगह चलते हैं। उस दिन मूसलधार बारिश में घर के अंदर फंसे हुए एक झिझक भरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने साहित्य के प्रति उनके जुनून के बारे में बात की। जिस तरह से ये उन्हें अलग अलग दुनिया में ले गया उन्हें जीवंत महसूस कराया। एलेनोर इस बात से हैरान की उनके मुंह से शब्द कितनी आसानी से बोल रहे थे। उसने जेन ऑस्टन की वृद्धि के लिए अपने प्यार को साझा किया। उसकी आवाज़ वो प्यार के साथ आत्मविश्वास से भर रही थी। जैसे जैसे तूफान थम गया वैसे वैसे उनकी शुरुआती सजगता की कम होती गई। वे बारिश से धूली सड़क से निकल गए। उनके बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। डेविड ने आवेग में आकर डीलर का सुझाव दिया। उसके नियंत्रण में एक घबराहट भरी उम्मीद थी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने स्वीकार करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। एब्लिन ने पाया कि बीर की उसके सबसे बेपरवाह रूम से कैद किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक गोलम राजकुमारी की कैथरीन के टुकड़े पर जीवंत करते हुए एकाग्रता दिखाई दे रही थी। बदले में बीर ने उसकी तस्वीरों को तत्वों को शामिल करना शुरू कर दिया। शहर की चहल पहल भरी सड़कें शोरगुल के बीच एक अकेले महिला अपनी जटिल पेंडिंग में हालांकि उनके संबंध अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। एब्लिन के पति डेविड एक सफल व्यवसायी अगलान की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। उनकी शांत स्वीकृति के आदि वो उसकी आंखों में फीकी पड़ती चमक के समझ नहीं पा रहे थे। बीर भी अपराध बोध से जूझ रहा था। उसने अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को धोखा नहीं दिया था लेकिन एब्लिन के साथ उसे जो खुशी महसूस हुई वो अतीत के प्रति अपमान की तरह थी। एब्लिन के जन्मदिन के दिन मोड़ आया। डेविड उसके भीतर के उथल पुथल से बेखबर उसे हीर का हार भेंट कराता है। एक ऐसा इशारा जो ठंडा और
शोकला लगता है। बाद में बीर जो पहले थी तो हिचकिचाहत रहा था, जो उसने एक लघु पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेला पेड़ जिसकी शाखाएं मानसून की आखिरी जीवन फूलों से लदी हुई थी, उसके नीचे उसके रूमी की एक पंक्ति लिखी थी, गलत एक और उसी करने के लिए बेचारों की तरह उम्दे खान थे, जो तुमसे वहाँ मिलेगा। एवलिन की आंखों में आंसू आ गए। एक संघर्षों की एक साझा रहस्य अनिश्चित के बीच कुछ सुंदरता करने का वादा, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं था। डेविड के साथ कच्ची ईमानदारी और अनकही पीड़ा से भरी बातचीत ने उनकी शब्दों को खत्म कर दिया था। फिर ने महसूस और भरी स्वीकारोक्ति और दिल में काफ़ी मांगने की बात आखिरकार खुद को आगे बढ़ने दिया। उनके नया जीवन हालांकि प्यार से भरा था, लेकिन एक बड़ी कथा नहीं थी। समाजीवन करने थे, सामाजिक फुसफुसाहटों की अनदेखा करता था और अपनी लय सोचने के लिए निरंतर संघर्ष करता था, लेकिन उनके छायादार दुनिया में ले जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये सीरीज तबायफे बेशाओं के जीवन के खोज करती है, जो सिर्फ सिर्फ सेक्स वर्कर के कहीं ज्यादा है। वे कलाकार थी और अक्सर अपने समुदायों से काफ़ी ताकत रखती थी। संभालने इन जटिल महिलाओं को जीवंत करने के लिए मनीषा कोराला, मनीषा सिन्हा और अदिति राव हैदरी सहित कई बेहतरीन कलाकारों को इकट्ठा किया है, जबकि पहले सीजन को अलौकिक से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की समीक्षाएं मिली। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद थी, जिनके कारण दूसरे सीजन के लिए तुरंत नवीनीकरण किया गया था। हीरामंडी द डायमंड बाजार कोई फिल्म नहीं है, बल्कि दूरदर्शी संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक आकर्षक ऐतिहासिक ड्रामा सीजन है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली यह सीरीज लाहौर के प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरामंडी की रहस्यमय तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। यह भव्य लेकिन जटिल दुनिया ब्रिटिश शासन की भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष के बीच सामने आती है। संभाली की खास शौली युग को जीवंत करती है, जिसने हीरा मंडी की भव्यता के साथ साथ उसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों को दिखाया गया है। हम जिस तवायफों से मिलते हैं, जो वे सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं, वे कलाकारों के और उसके समाज के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। मनीषा कुरैला, मीनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जैसे दमदार कलाकारों द्वारा निभाए गए ये किरदार एक आकर्षक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार, शक्ति और आज़ादी की लड़ाई की बारीक खोज वादा करते हैं। हालांकि पहले सीजन को मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई, लेकिन इसमें दर्शकों को आकर्षित किया उसने दूसरे सीजन के लिए शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षक दुनिया में और भी बहुत कुछ आने वाला है। हीरामंडी की कलाकारों में अनुभवी दिग्गज और उभरते सितारे शामिल है। मनीषा कुरैला उसी स्थापित अभिनेत्री इसने ग्रामीण है, इनका अतुलन और अनुभव निश्चित रूप से शाही महल की मुख्य वेश्या मल्लिका जहान की उनकी भूमिका के गंभीरता लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा दोहरी भूमिका की चुनौती लगती है, जिसमें वे रेहाना एक भूतपूर्व मुख्य वेश्या और उसकी बेटी फरदन दोनों के किरदार निभा रही है। यह सीरीज हमें प्रतिभा की अगली पीढ़ी से भी परिचित कराती है, जिसमें धर्मील सहगल मल्लिका जान के सबसे छोटी और आलमबेज और उनकी रहस्यमय बहन फरीदा जहनजीत खेल के बीच रोशनी की देखते हुए एक जटिल पारिवारिक गतिशीलता सामने आएगी। कहानी में एक और परत जोड़ती है, जो रिसा चड्डा और मल्लिका जान की पावर बेटी लज्जो का किरदार निभाया गया है। इसमें कहानी रहस्यमय है और उनके बेटा करती है। अंत में सुबूजा ने आलमबेज की प्रेमी तनाव जानबाज की जीवंत किया है तथा हीरामंडी की जटिलताओं के बीच एक संभावित रोमांच का निर्माण किया है। हीरामंडी द डायमंड बाजार ने पारिवारिक सिनेमा के रास्ते के दरकिनार कर दिया और मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है, हालांकि विशिष्ट दर्शक संख्या सभी को गुप्त है। रिपोर्ट्स बताती है कि अपने पहले सप्ताहांतर में 4.5 मिलियन यू के साथ इसने एक मजबूत शुरुआत की। हालांकि इस सीरीज के अगले हफ्तों में दर्शकों को संख्या में कहीं खास ताल नहीं मिला, लेकिन आलोचकों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सीमाएं मिलने के बावजूद इसने दूसरे सीजन में नवीकरण को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त लिमुकिया की हासिल किया। उसने पता चला है कि उसके सीरीज में आकर्षक कहानी प्रतिभाशाली कलाकारों के दर्शकों को आकर्षित किया। इसने ये सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षण दुनिया से और भी बहुत कुछ आने वाला है, एक ऐसा एहसास की जो कि चट्टान के किनारे एक डरावने ऐसा है। कभी मुंबई का जीवंत मानसून, जो आमतौर पर सुकून का स्रोत होता है, था उसे उसकी खिड़की पर लगातार ढोल की स्थाप की तरह महसूस हुआ, जो उसकी आत्मा में बेचैनी को दर्शाती है। उसकी सचिन साल की बाद उनके लिए एक तूफानी का सामना किया, लेकिन हाल ही में यह हरहरों से भरा हुआ महसूस हुआ। उनके बीच की खामोशी
बहरा कर देने वाली थी। शहर के उस पार चांदनी चौक की भुलभुलैया वाली गलियों के बीच भीड़ सहना था। एक समृद्ध लघु चित्रकार, उसकी दुनिया जीवंत रंगों और दुनिया से फुसफुसाती कहानियों से भरी थी। कई सालों तक विदूर रहने के बाद उसे अपने वफादार कुत्ते अवतार की शांत सीमाओं में सुकून मिला। मानसून उनके लिए एक प्रेरणा थी। उसकी नमी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कागज की एक निश्चित जीवन प्रदान करती थी। किस्मत एक सारती कठपुतली से हस्तक्षेप करने फैसला किया। एकविल एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो शहर की आत्मा को कैद करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से भरी बारिश के दौरान वीर के छिपे हुए स्टूडियो में जा पहुंची। शहर की तलाश में वो अंदर चली गई। भीतर से निकलने वाली कोमल चमक से आकर्षित हुई। अंदर की हवा चंदन और नम कागज की खुशबू से भरी हुई थी। वीर जिसकी आंखों में हजारों कहानियों की बुद्धि थी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अबुलिन उनके चांदनी के बालों के एक मुस्कान के साथ जिसमें उदासी का संकेत था ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अप्रत्याशित नरमी फैल गई है। उनकी बातचीत महसूस के बारिश की तरह बह रही थी और सहज और बातचीत उन्होंने कला और हाथी के अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाने वाली शांत सुंदरता के बारे में बात की। फिर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और जिस तरह से उसके जुनून पर चर्चा करते समय उनकी आंखों में चमक उठती थी उसके मोहित हो गया। उसके खुद को और अधिक जानने के लिए इच्छुक पाया। एब्रिन उसकी कोमलता आत्मा और जिस तरह से उसके अनुभवी हाथों से नाजुक ब्रश को पकड़ता था उसने प्रभावित हुई। उसने एक ऐसा संबंध महसूस किया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद और इलारा उसके गंभीर सांस लेता हुआ पाया है। उस रात को उसने एक संबंध हराना होता आया। उन्होंने पेरिस के छिपे हुए कोनों के खींच की पटिल पावर की चौकन निगाहों के नीचे कहानियों का सपना साझा किया। इलारा ने खुद को उनके जुनून के और आकर्षित पाया जो उनके सपने मापा अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने सितारों के नीचे चचालक पिकनिक मनाने सूर्योदयों को आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगाते देखने की प्रेम प्रति प्रेम की खोज की। ये सब इसलिए क्योंकि उसने उसे इस सरल क्षणों में सुंदरता दिखाई। हालांकि इलारा दिल से एक वैज्ञानिक बनी रही। उसने उनके बंधाओं का विश्लेषण किया जिस तरह से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था जब वो उसका हाथ पकड़ता। वो अतर्जित गर्मजोशी से जो उसके अंदर फैल जाती थी जब भी वो उसे देखता था। वो आकर्षित था उनकी उपस्थिति की ये जरूरत उनके स्पर्श की ये तरफ। एक शाम सड़क के बाजार की हलचल के बीच इंडियन अचानक रुक गया। उसकी नज़र एक पुरानी किताबों की दुकान पर टिकी हुई थी। वो कुछ क्षण बाद बाजार बाहर आया। उसकी बाहों में नीचे लेंस फेयर्स डू माल की एक पुरानी प्रति थी। ओके के मोड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस आकर उसने अपनी समृद्ध परिटोन आवाज में बेडलियर की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। रोमांटिक पीड़ा से सजे शब्द उनकी अपनी अनकही शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण की तरह थे। प्यार पागलपन है उनके कहा। जब उसने बात खत्म की तो उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी। लेकिन कभी कभी ये एकमात्र पागलपन होता है जिसे पाने की कोई मतलब होता है। इलारा ने पाया कि वो उसके हाथ की ओर हम बढ़ रही है। उसके स्पर्श की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सेहरन पैदा कर रही है। शायद उसने स्वीकार किया कि उनकी आवाज़ में सांस लेने की आवाज नहीं थी। थोड़ा पागलपन ही चाहिए। उनका पहला चुम्बन बिजली थो जैसा था, एक चिंगारी जिसने उनके भीतर आग लगा दी। ये तर्क और भावना के टकराव था, एक तूफान जो उनके दिल के चारों ओर बनाए गए किले के भीतर डबल रहा था। फिर भी उसके बाहों में चांदी की चौकस निगाहों से नीचे ये अजीब तरह से परिपूर्ण महसूस हुआ। अपने रिश्ते को बढ़ती तीव्रता के बावजूद इलारा सतर्क रही। वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपकी रही, अपने भीतर इस नए आयाम की झमझाने की बताव कोशिश कर रही थी। उसकी रातें शोध से भरी हुई थी। प्यार की तंत्रिका विज्ञान इस मादक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्लीन। एक दोपहर इलारा को अपने शोध में झुका हुआ पाकर इंडियन ने धीरे से उनके हाथों से किताब ले ली। आओ थोड़ा जी ले, उसके कहा। उसकी आंखों में एक शांति बिनती हुई बाई थी। चलो कहीं नहीं, जगह चलते हैं। उस दिन मूसलधार बारिश में घर के अंदर फंसे हुए एक झिझक भरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने साहित्य के प्रति उनके जुनून के बारे में बात की, जिस तरह से ये उन्हें अलग अलग दुनिया में ले गया, उन्हें जीवंत महसूस कराया। एलेनोर इस बात से हैरान कि उनके मुंह से शब्द कितनी आसानी से बोल रहे थे। उसने जेन ऑस्टन की वृद्धि के लिए अपने प्यार को साझा किया। उसकी आवाज़ वो प्यार के साथ आत्मविश्वास से भर रही थी। जैसे जैसे तूफान थम गया वैसे वैसे उनकी शुरुआती सजगता की कम होती गई। वे बारिश से धूली सड़क से निकल गए। उनके बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। डेविड ने आवेग में आकर डीलर का सुझाव दिया। उसके नियंत्रण में एक घबराहट भरी उम्मीद थी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने स्वीकार करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। एब्लिन ने पाया कि वीर की उसके सबसे बेपरवाह रूम से कैद किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक
गोलम राजकुमारी की कैथरीन के टुकड़े पर जीवंत करते हुए एकाग्रता दिखाई दे रही थी। बदले में वीर ने उसकी तस्वीरों को तचों को शामिल करना शुरू कर दिया। शहर की चहल पहल भरी सड़कें शोरगुल के बीच एक अकेले महिला अपनी जटिल पेंडिंग में, हालांकि उनके संबंध अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। एवलिन के पति डेविड एक सफल व्यवसायी अगलान की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। उनकी शांत स्वीकृति के आदि वो उसकी आंखों में फीकी पड़ती चमक के समझ नहीं पा रहे थे। वीर भी अपराध बोध से जूझ रहा था। उसने अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को धोखा नहीं दिया था, लेकिन एवलिन के साथ उसे जो खुशी महसूस हुई वो अतीत के प्रति अपमान की तरह थी। एवलिन के जन्मदिन के दिन मोड़ आया। डेविड उसके भीतर के उथल पुथल से बेखबर उसे हीर का हार भेंट कराता है, एक ऐसा इशारा जो ठंडा और शोकला लगता है। बाद में वीर जो पहले थी तो हिचकिचाहत रहा था, जो उसने एक लघु पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेला पेड़ जिसकी शाखाएं मानसून की आखिरी जीवन फूलों से लदी हुई थी, इसके नीचे उसके रूमी की एक पंक्ति लिखी थी, गलत एक और उसी करने के लिए बेचारों की तरह उम्दे खान थे, जो तुमसे वहाँ मिलेगा। एवलिन की आंखों में आंसू आ गए। एक संघर्षों की एक साझा रहस्य अनिश्चित के बीच कुछ सुंदरता करने का वादा, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं था। डेविड के साथ कच्ची ईमानदारी और अनकही पीड़ा से भरी बातचीत ने उनकी शब्दों को खत्म कर दिया था। फिर ने महसूस और भरी स्वीकारोक्ति और दिल में काफ़ी मांगने की बात आखिरकार खुद को आगे बढ़ने दिया। उनके नया जीवन हालांकि प्यार से भरा था, लेकिन एक बड़ी कथा नहीं थी। समाजीवन करने थे, सामाजिक फुसफुसाहटों की अनदेखा करता था और अपनी लय सोचने के लिए निरंतर संघर्ष करता था, लेकिन उनके छायादार दुनिया में ले जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित ये सीरीज तबायफे पेशाओं के जीवन के खोज करती है, जो सिर्फ सिर्फ सेक्स वर्कर के कहीं ज़्यादा है। वे कलाकार थी और अक्सर अपने समुदायों से काफ़ी ताकत रखती थी। संभालने इन जटिल महिलाओं को जीवंत करने के लिए मनीषा कोराला, मनीषा सिन्हा और अदिति राव हैदरी सहित कई बेहतरीन कलाकारों को इकट्ठा किया है, जबकि पहले सीजन को अलौकिक से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सिमेशन मिली। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद थी, जिनके कारण दूसरे सीजन के लिए तुरंत नवीनीकरण किया गया था। हीरामंडी द डायमंड बाजार कोई फिल्म नहीं है, बल्कि दूरदर्शी संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक आकर्षक ऐतिहासिक ड्रामा सीजन है। मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली यह सीरीज लाहौर के प्रसिद्ध रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हीरामंडी की रहस्यमय तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। यह भव्य लेकिन जटिल दुनिया ब्रिटिश शासन की भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष के बीच सामने आती है। संभाली की खास शौली युग को जीवंत करती है, जिसने हीरा मंडी की भव्यता के साथ साथ उसके निवासियों के छिपे हुए संघर्षों को दिखाया गया है। हम जिस तवायफों से मिलते हैं, जो वे सिर्फ रात के अंधेरों में नहीं, वे कलाकारों हैं, कलाकारों के और उसके समाज के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। मनीषा कुरैला, मीनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जैसे दमदार कलाकारों द्वारा निभाए गए ये किरदार एक आकर्षक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के खिलाफ प्यार, शक्ति और आज़ादी की लड़ाई की बारीक खोज वादा करते हैं। हालांकि पहले सीजन को मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुई, लेकिन इसमें दर्शकों को आकर्षित किया उसने दूसरे सीजन के लिए शीघ्र नवीनीकरण सुनिश्चित हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षक दुनिया में और भी बहुत कुछ आने वाला है। हीरामंडी की कलाकारों में अनुभवी दिग्गज और उभरते सितारे शामिल है। मनीषा कुरैला उसी स्वस्थापित अभिनेत्री जिसने ग्रामीण है, इनका अतुलन और अनुभव निश्चित रूप से शाही महल की मुख्य वेश्या मल्लिका जहान की उनकी भूमिका के गंभीरता लगाया है। सोनाक्षी सिन्हा दोहरी भूमिका की चुनौती लगती है, जिसमें वे रेहाना एक भूतपूर्व मुख्य वेश्या और उसकी बेटी फरदन दोनों के किरदार निभा रही है। यह सीरीज हमें प्रतिभा की अगली पीढ़ी से भी परिचित कराती है, जिसमें धर्मेंद्र सहगल मल्लिका जान के सबसे छोटी और आलमबेज और उनकी रहस्यमय बहन फरीदा जहनजीत खेल के बीच रोशनी की देखते हुए एक जटिल पारिवारिक गतिशीलता सामने आएगी। कहानी में एक और परत जोड़ती है, जो रिसा चड्ढा और मल्लिका जान की पावर बेटी लज्जो का किरदार निभाया गया है। इसमें कहानी रहस्यमय है और उनके बेटा करती है। अंत में सुबूजा ने आलमबेज की प्रेमी तनाव जानबाज की जीवंत किया है तथा हीरामंडी की जटिलताओं के बीच एक संभावित रोमांच का निर्माण किया है। हीरामंडी द डायमंड बाजार ने पारिवारिक सिनेमा के रास्ते के दरकिनार कर दिया और मई 2024 में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है, हालांकि विशिष्ट दर्शक संख्या सभी को गुप्त है। रिपोर्ट्स बताती है कि अपने पहले सप्ताहांतर में 4.5 मिलियन यू के साथ इसने एक मजबूत शुरुआत की। हालांकि इस सीरीज के अगले हफ्तों में दर्शकों को संख्या में कहीं खास ताल नहीं मिला, लेकिन आलोचकों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सेवाएं मिलने के बावजूद इसने
दूसरे सीजन में नमिकिन को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त लिमुकिया की हासिल किया। उसने बता चला है कि उसके सीरीज में आकर्षक कहानी ने प्रतिभाशाली कलाकारों के दर्शकों को आकर्षित किया। इसने ये सुनिश्चित हुआ कि हीरामंडी की आकर्षण दुनिया से और भी बहुत कुछ आने वाला है, एक ऐसा एहसास की जो कि चट्टान के किनारे एक डरावने ऐसा है। कभी मुंबई का जीवंत मानसून जो आमतौर पर सुकून का स्रोत होता है था, उसे उसकी खिड़की पर लगातार ढोल की स्थाप की तरह महसूस हुआ जो उसकी आत्मा में बेचैनी को दर्शाती है। उसकी सचिन साल की बाद उनके लिए एक तूफानी का सामना किया, लेकिन हाल ही में यह हरहरों से भरा हुआ महसूस हुआ। उनके बीच की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। शहर के उस पार चांदनी चौक की भुलभुलैया वाली गलियों के बीच भीड़ सहना था। एक समृद्ध लघु चित्रकार, उसकी दुनिया जीवंत रंगों और दुनिया से फुसफुसाती कहानियों से भरी थी। कई सालों तक विदूर रहने के बाद उसे अपने फादर कुत्ते अवतार की शांत सेवाओं में सुकून मिला। मानसून उनके लिए एक प्रेरणा थी। उसकी नमी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने कागज की एक निश्चित जीवन प्रदान करती थी। किस्मत एक सारथी कठपुतली से हस्तक्षेप करने फैसला किया। एक व्हील एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर जो शहर की आत्मा को कैद करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से भरी बारिश के दौरान वीर के छिपे हुए स्टूडियो में जा पहुंची। शहर की तलाश में वो अंदर चली गई। भीतर से निकलने वाली कोमल चमक से आकर्षित हुई। अंदर की हवा चंदन और नम कागज की खुशबू से भरी हुई थी। वीर जिसकी आंखों में हजारों कहानियों की बुद्धि थी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अबुलिन उनके चांदनी के बालों के एक मुस्कान के साथ जिसमें उदासी का संकेत था ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अप्रत्याशित नरमी फैल गई है। उनकी बातचीत महसूस के बारिश की तरह बह रही थी और सहज और बातचीत उन्होंने कला और हाथी के अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाने वाली शांत सुंदरता के बारे में बात की। फिर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और जिस तरह से उसके जुनून पर चर्चा करते समय उनकी आंखों में चमक उठती थी उसके मोहित हो गया। उसके खुद को और अधिक जानने के लिए इच्छुक पाया। एब्रिन उसकी कोमलता आत्मा और जिस तरह से उसके अनुभवी हाथों से नाजुक ब्रश को पकड़ता था उसने प्रभावित हुई। उसने एक ऐसा संबंध महसूस किया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद और इलारा उसके गंभीर सांस लेता हुआ पाया है। उस रात को उसने एक संबंध हराना होता है। उन्होंने पेरिस के छिपे हुए कोनों को खींच की पटिल पावर की चौकन निगाहों के नीचे कहानियों का सपने साझा किया। इलारा ने खुद को उनके जुनून के और आकर्षित पाया जो उनके सपने मापा अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसने सितारों के नीचे चचालक पिकनिक मनाने सूर्योदयों को आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग में रंगाते देखने की प्रेम प्रति प्रेम की खोज की। ये सब इसलिए क्योंकि उसने उसे इस सरल क्षणों में सुंदरता दिखाई। हालांकि इलारा दिल से एक वैज्ञानिक बनी रही। उसने उनके बंधाओं का विश्लेषण किया जिस तरह से उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता था जब वो उसका हाथ पकड़ता। वो अतर्जित गर्मजोशी से जो उसके अंदर फैल जाती थी जब भी वो उसे देखता था। वो आकर्षित था उनकी उपस्थिति की ये जरूरत उनके स्पर्श की ये तरफ। एक शाम सड़क के बाजार की हलचल के बीच इंडियन अचानक रुक गया। उसकी नज़र एक पुरानी किताबों की दुकान पर टिकी हुई थी। वो कुछ क्षण बाद बाजार बाहर आया। उसकी बाहों में नीचे लेंस फेयर्स डू माल की एक पुरानी प्रति थी। ओके के मोड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस आकर उसने अपनी समृद्ध परिटोन आवाज में बेडलियर की कविताएं पढ़ना शुरू कर दिया। रोमांटिक पीड़ा से सजे शब्द उनकी अपनी अनकही शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करने पहले दर्पण की तरह थे। प्यार पागलपन है उनके कहा। जब उसने बात खत्म की तो उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी। लेकिन कभी कभी ये एकमात्र पागलपन होता है जिसे पाने की कोई मतलब होता है। इलारा ने पाया कि वो उसके हाथ की ओर हम बढ़ रही है। उसके स्पर्श की गर्माहट से उसकी रीढ़ में सेहरन पैदा कर रही है। शायद उसने स्वीकार किया कि उनकी आवाज़ में सांस लेने की आवाज़ नहीं थी। थोड़ा पागलपन ही चाहिए। उनका पहला चुम्बन बिजली थो जैसा था, एक चिंगारी जिसने उनके भीतर आग लगा दी। ये तर्क और भावना के टकराव था, एक तूफान जो उनके दिल के चारों ओर बनाए गए किले के भीतर डबल रहा था। फिर भी उसके बाहों में चांदी की चौकस निगाहों से नीचे ये अजीब तरह से परिपूर्ण महसूस हुआ। अपने रिश्ते को बढ़ती तीव्रता के बावजूद इलारा सतर्क रही। वो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपकी रही, अपने भीतर इस नए आयाम की झमझाने की बताव कोशिश कर रही थी। उसकी रातें शोध से भरी हुई थी। प्यार की तंत्रिका विज्ञान इस मादक भावनाओं को ट्रिगर करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में तत्लीन। एक दोपहर इलारा को अपने शोध में झुका हुआ पाकर इंडियन ने धीरे से उनके हाथों से किताब ले ली। आओ थोड़ा जी ले, उसके कहा। उसकी आंखों में एक शांति बिनती हुई पाई थी। चलो कहीं नहीं,
जगह चलते हैं। उस दिन मूसलाधार बारिश में घर के अंदर फंसे हुए एक झिझक भरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने साहित्य के प्रति उनके जुनून के बारे में बात की, जिस तरह से ये उन्हें अलग अलग दुनिया में ले गया, उन्हें जीवंत महसूस कराया। एलेनोर इस बात से हैरान कि उनके मुंह से शब्द कितनी आसानी से बोल रहे थे। उसने जेन ऑस्टन की वृद्धि के लिए अपने प्यार को साझा किया। उसकी आवाज़ वो प्यार के साथ आत्मविश्वास से भर रही थी। जैसे जैसे तूफान थम गया, वैसे वैसे उनकी शुरुआती सजगता की कम होती गई। वे बारिश से धूली सड़क से निकल गए। उनके बीच एक आरामदायक खामोशी छा गई। डेविड ने आवेग में आकर डीलर का सुझाव दिया। उसके नियंत्रण में एक घबराहट भरी उम्मीद थी, जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने स्वीकार करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया गया है। एवलिन ने पाया कि बीर की उसके सबसे बेपरवाह रूम से कैद किया जा रहा है। उसके चेहरे पर एक गोलम राजकुमारी की कैथरीन के टुकड़े पर जीवंत करते हुए एकाग्रता दिखाई दे रही थी। बदले में बीर ने उसकी तस्वीरों को तचों को शामिल करना शुरू कर दिया। शहर की चहल पहल भरी सड़कें शोरगुल के बीच एक अकेले महिला अपनी जटिल पेंडिंग में, हालांकि उनके संबंध अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। एवलिन के पति डेविड एक सफल व्यवसायी अगलान की बढ़ती भावना महसूस कर रहे थे। उनकी शांत स्वीकृति के आदि वो उसकी आंखों में फीकी पड़ती चमक के समझ नहीं पा रहे थे। बीर भी अपराध बोध से जूझ रहा था। उसने अपनी दिवंगत पत्नी की यादों को धोखा नहीं दिया था, लेकिन एवलिन के साथ उसे जो खुशी महसूस हुई वो अतीत के प्रति अपमान की तरह थी। एवलिन के जन्मदिन के दिन मोड़ आया। डेविड उसके भीतर के उथल पुथल से बेखबर उसे हीर का हार भेंट कराता है, एक ऐसा इशारा जो ठंडा और शोकला लगता है। बाद में बीर जो पहले थी तो हिचकिचाहत रहा था, जो उसने एक लघु पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक अकेला पेड़ जिसकी शाखाएं मानसून की आखिरी जीवन फूलों से लदी हुई थी, इसके नीचे उसके रूमी की एक पंक्ति लिखी थी, गलत एक और उसी करने के लिए विचारों की तरह उम्दे खान थे, जो तुमसे वहाँ मिलेगा। एवलिन की आंखों में आंसू आ गए। एक संघर्षों की एक साझा रहस्य अनिश्चित के बीच कुछ सुंदरता करने का वादा, फिर भी रहस्य स्पष्ट नहीं था। डेविड के साथ कच्ची ईमानदारी और उनकहीं पीड़ा से भरी बातचीत ने उनकी शब्दों को खत्म कर दिया था। फिर ने महसूस और भरी स्वीकारोक्ति और दिल में काफ़ी मांगने की बात आखिरकार खुद को आगे बढ़ने दिया। उनके नया जीवन हालांकि प्यार से भरा था, लेकिन एक बड़ी कथा नहीं थी। समाजीवन करने थे, सामाजिक फुसफुसाहटों की अनदेखा करता था और अपनी लय सोचने के लिए निरंतर संघर्ष करता था, लेकिन उनके